हम अपनी कंपनी हमने कस्टमर्स को गारंटी देते हैं कि अगर एक सेल्समैन है जिसने उसके पास जो दूसरा कोई भी ऑटोमेशन है वो यूज कर रहा है दूसरा हमारा ए आई ऑगमेंटेड ऑटोमेशन यूज कर रहा है सेल्स अगर नहीं बेच पाया तो हम हंड्रेड परसेंट मनी बैक प्लस टेन परसेंट पेनल्टी देते हैं हमारे थर्टी परसेंट ऑर्डर तब आते हैं जब सेल्स का आदमी जा चुका होता है हमारा फोकस गुड्स इंडस्ट्री राइट नाउ वी आर द बेस्ट प्रोडक्ट इन दीज टू वर्टिकल्स इन द द वर्ल्ड। वी टू बी बिगेस्ट। इट्स नॉट कि हमारी पूरी जर्नी बड़ी अच्छी रही है या जो हमने सोचा वो बड़ा होता चला गया ऐसा yeah. बिल्कुल नहीं हुआ जितनी मुश्किलें हो सकती उतनी सारी मुश्किलें आई मेरी बेटी उस समय आ, एट्थ में थी मोस्ट लाइकली mm -hmm.

I was ready to bet anything to achieve that. रंजीत आपका स्वागत है स्टार्टअप वाइब्स एटीन में और क्योंकि आपकी कंपनी नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में आ, सेल्स कोड नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में टेन इयर्स भी कंप्लीट करने जा रही है जो कि बहुत अमेजिंग बात है स्टार्टअप्स कहते हैं कि अगर तीन साल तक चल जाए तो उसके बाद फिर कभी नहीं जाता है है ना तो अभी ये जो आपका टेन इयर्स का जो जर्नी है पूरा और शुरू कैसे हुआ आपका कॉलेज आपका स्कूलिंग आपका बैकग्राउंड और कैसे मतलब सारा एकदम शुरू से बताइए श्योर सो थैंकू थैंक यू रंजना थैंक यू टू यू एंड योर टीम फॉर हैविंग मी हेयर बड़ा लंबा क्वेश्चन आपने पूछा है तो आई स्टार्ट रैंडमली विदाउट बिल्कुल बिल्कुल बट या सो इफ आई लुक बैक बिफोर कंपनी के तक मैं आऊँ उससे पहले सो आई डिड माई एजुकेशन इन मिलिट्री स्कूल विच ऑज़ अ सैनिक स्कूल तो सैनिक स्कूल तिलैया एक हजारीबाग में एक uh, सैनिक स्कूल है राइट? सो वन ऑफ़ द ओल्डेस्ट सैनिक स्कूल्स इन द कंट्री और बड़ा ही ये जैसे फिल्म इंडस्ट्री में एक नाम होता था झुमरी तलैया हाँ. तो झुमरी तलैया है वो सो so, वो प्रॉपर झुमरी तलैया वही है जहाँ मैंने अपनी पढ़ाई करी है अरे कई लोग उसको फिक्टिश प्लेस मानते हैं लेकिन एक्चुअली वो वो जगह है जहां मेरा स्कूल था एंड आई एम प्राउड ऑफ Uh, we call ourselves as Exthalians, like that. Founder from Jhumri Yes, actually you can, <laughs> yeah, you know certainly you can say that, right? So, it was a very different world altogether. Proper military code, proper way of so our let's say principal used to be a colonel, a headmaster used to be a major or lieutenant colonel. तो वो माहौल बिल्कुल अलग बहुत डिसिप्लिन होगा डिसिप्लिन इज एन अंडरस्टेटमेंट आज के अच्छा। जमाने जमाने की बात करें हम तो मतलब बहुत कुछ होता था जो आज बहुत शायद बुरा माना जाएगा बट वी आर प्राउड आई से बुरा माना जाएगा मतलब जिस तरीके से वहाँ डिसिप्लिन एग्जीक्यूट होता था एक साल अगर आपका सीनियर है तो वो सब कुछ कंट्रोल करता है इन सेंस आप कब उठते हैं कहाँ जाते हैं किस तरीके से आप चलते हैं सड़क पर आज अगर मैं किसी को यह कहानी बताता हूं तो लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे शायद हमारे लिए टॉर्चर होता था लिटरली सो इफ आई टेल यू कि हमारे लिए मास पनिशमेंट और फ्रंट रोलिंग्स एंड किकिंग एट द बैक ऑल ऑफ दैट वाज नॉर्मल आप कर रहे हैं कोई एक्टिविटी आपने गलती करी तो आपको जो पनिशमेंट मिलेगा उसमें आपके घुटने छिल जाएंगे आपकी कहूनी छिल जाएगी ब्लीडिंग होगी वॉज नॉर्मल एब्सुलटली नॉर्मल तो बोर्डिंग था बोर्डिंग स्कूल इट वॉज हंड्रेड बोर्डिंग स्कूल तो वो अपब्रिंगिंग अगर मैं आज देखता हूँ तो मुझे लगता है कि शायद उस अपब्रिंगिंग के साथ अगर कोई पला बढ़ा हो तो फिर लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम प्रॉब्लम लगती नहीं है सो इट्स मिलिट्री रेप्लिका सेम चीज़ आप जब मिलिट्री में क्वालिफाई करते हैं तो वहाँ भी अलग स्टेज पे आपको तैयार किया जाता है सो दैट यू कैन गेट थ्रू द रफ पैचेज़ इन लाइफ सो दैट वॉज मे बी आई वुड से अ गुड फाउंडेशन टू स्टार्ट इन अर्ली चाइल्ड सो सिक्स टू ट्वेल्थ वहाँ हम मेरी एजुकेशन हुई उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया फिर मैंने एम किया कमिंग बैक टू द दॉर्परेट लाइफ कहीं ना कहीं uh, जब एम कर रहे थे उस समय भी और उसके बाद भी कॉरपोरेट लाइफ में भी uh, एक दो साल के बाद ऐसा लगा कि कुछ करना चाहिए hmm. बहुत अर्ली बात है दिस इज़ लाइक 1998 और 1998 2000 में डॉट कॉम बूम था अगर ah, लोग ah, याद होगा उसमें ah. जमाना तो अराउंड टू थाउजेंड द फर्स्ट टाइम जहाँ मैं और मेरे दो और दोस्त हमने डिसाइड किया कि वी विल डू आर ओन स्टार्टअप विच ऑज़ एज एज देन एंड हमने कुछ शुरू किया वी वे यंग ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं था ऑब्वियसली कुछ पैसे भी नहीं थे तो वी डिड समथिंग वी फेल्ड एंड वी केम बैक टू कॉपरेट लाइफ बट कुछ करने की जो इच्छा थी वो कभी ख़त्म नहीं हुई ये क्लैरिटी ज़रूर आई कि Uh, कुछ करने के लिए थोड़ी तैयारी ज़्यादा ज़रूरी है जो हमने करी थी वी वुड नीड मोर प्रिपरेशन ये क्लैरिटी हो गई सो देन वॉज बैक टू कॉपरेट लाइफ आई वर्क इन डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज लास्ट टेन ईयर्स नाइन ईयर्स वॉज विद वन ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज़ इन द वर्ल्ड विच इज़ कोला बहुत ज़्यादा सीखने को मिला थ्रू आउट लाइफ आई बीन लकी दैट मेरे को वर्क प्रोफाइल पॉइंट ऑफ व्यू से आई हैव ऑलवेज गॉट द बेस्ट दैट आई वॉन्टिड विच विच हेल्प मी शेप अप एवरी थिंग विच आई थॉट इज इम्पॉर्टेंट टू लर्न इन लाइफ ब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज स्टार्टिंग अ कंपनी वॉज ऑलवेज अ ड्रीम रिमेन एज अ ड्रीम टिल यू नो वी स्टार्टिड फाइनली बट इफ आई लुक बैक वेन यू वर्क इन कॉपरेट जब आप कॉपरेट में काम करते हैं तो बड़े सारे एम्बिशंस होते हैं हर आदमी ग्रो करना चाहता है कंपटीशन होता है जो भी है uh, एक स्टेज पे लगभग तीन से पाँच साल पहले जब तक मैंने uh, छोड़ा और अपनी कंपनी शुरू की उस समय तक मैं बहुत क्लियर हो चुका था कि मुझे कॉपोरेट लाइफ में अब कुछ और ज़्यादा अचीव नहीं करना है लाइक वॉट एवर कुड सेटिसफाई माई लेट्स ए ड्रीम और माई एस्परेशन लार्जली आई थिंक आई आई हैड अचीव्ड सो आई वॉज डूइंग रियली वेल इन वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज़

ेशन दे सकता है राइट नथिंग मतलब कॉर्परेट लाइफ में मुझे उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए था अगर मैं बोलू तो एंड इट वॉज अटिकॉर गुड ग्रोथ आई वॉज गेटिंग बेस्ट ऑफ थिंग्स इन लाइफ तो उस स्टेज पे मेरे को यह क्लैरिटी होना उससे तीन साल पहले कि मुझे ये अब नहीं चाहिए ये कौन से ईयर की बात थी दिस इज टू थाउजेंड सो कोक में मैंने टू थाउजेंड सिक्स से टू थाउजेंड फोर्टीन तक काम किया और लेट्स से टू थाउजेंड से तीन साल पहले मैं देखूंगा जहां मुझे ये क्लैरिटी हो गई कि बहुत कर लिया आई वॉन्टेड टू डू विच आई अचीव स्ट्रेट लाइन आई कुड सी मुझे पता था आगे ग्रोथ कहां तक लेके जाएगा और बहुत अच्छा जा रहा है कोई दिक्कत नहीं उसमें लेकिन अब ये नहीं चाहिए नहीं चाहिए मतलब ये नहीं कि मैं अब जब तक रहूंगा तब तक ग्रोथ नहीं चाहिए एंड ऑफ माय करियर आई वाज वेरी क्लियर एंड आई यूज्ड टू से मैं अपने लोगों को अपने दोस्त जो करीबी थे उनको बोलता था कि मैं अपनी जिंदगी का करियर का जो भी एंड पॉइंट है या पड़ाव है वो मैं ऐसे नहीं देखता हूं कि मैं कोको कोला या किसी बड़ी कंपनी में कोई सीईओ बन गया या ये नहीं देखता हूं वेरी क्लियरली सो कोई डिजायर बचा नहीं उसमें तो फिर क्या फॉर सम रीजन दैट ओल्ड ड्रीम ऑफ क्रिएटिंग योर ओन कंपनी व स्टिल देयर बिकमिंग मोर मोर एंड मोर क्लियर अब डिफरेंस ये था जब हमने शुरुआत करी थी उस समय वर्सेज अभी तो दिस टाइम आई डेंट नॉट फेल फर्स्ट टाइम बड़ा क्लियरली एक्साइटमेंट थी कुछ करने की कर लिया हमने फेल हो गए कोई रिस्क नहीं था वापस आ गए कॉपरेट तीन महीने का जर्नी था वो वेरी शॉर्ट टाइम एंड वी वो बैक विदाउट अ रिस्क दिस टाइम आई हैड फैमिली आई हैड केड्स ग्रोन अप किड्स ऑल द लाइबिलिटीज लाइफ स्टाइल ऑल ऑफ दैट राइट तो मैं क्लियर था कि मुझे करना तो है अगर मैं ये बोलूंगा तो जब आप कॉपरेट लाइफ में शुरू करते हो एक स्टेज पर आपके पैसे बढ़ते हैं बढ़ती है एक लाइफ बढ़ता है या तो आप उस तरीके से ही बढ़ते चले जाओगे तो पैसे कभी कम नहीं पड़ते पैसे कभी ज्यादा नहीं होते हमेशा ही कम पड़ते है, हैं so, लेकिन और, और आगे आगे उसी में आगे बढ़ते रहना एक तरीका है नथिंग रॉन्ग चूंकि मैं धीरे धीरे क्लियर हो गया था कि मुझे नहीं करना है तो आई लाइक पाँच साल पहले जो जो जिस एंड पॉइंट पे मैं था उसे पाँच साल पहले की जो जिंदगी थी वहीं पे स्टैटिक थी इन टर्म्स ऑफ लाइफस्टाइल राइट नो मोर एक्स्ट्रा एफर्ट टू मेक अ बेटर लाइफस्टाइल दो आई माई मनी वाज इंक्रीजिंग एवरी ईयर वेदर इट्स अ कार वेदर इट्स हाउस वेदर इट लोन सो पाँच साल छोड़ने के पाँच साल पहले मैं डेट फ्री था लार्जली कॉपोरेट लाइफ में एट एनी लेवल इफ़ यू हैव हायर सैलरी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फिर भी लाइफ बढ़ाते ah. हैं आपका एक डेट बैगेज चलता रहता है मैं डेट फ्री था और मैंने सोचा कि मुझे अपनी जिंदगी फिर से शुरू करने के लिए एक नया एक्सपेरिमेंट करना है बट कंप्लीट प्रिपरेशन एक्चुअली मजा नहीं आ रहा था कुछ तो नहीं, करना नहीं, था। बिल्कुल नहीं, नहीं, नहीं बिल्कुल ये, ये ये एक दिक्कत है और मैं ये बता ये बताऊं दिक्कत आज के डेट में कॉपरेट में जितने भी मेरे दोस्त हैं या जितने भी ओल्ड कलीग्स हैं मोस्ट ऑफ देम से दैट मैं इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि यहां मजा नहीं आ रहा है मैं ऑफ हार्ट हाइएस्ट लेवल ऑफ माई enjoyment एंड satisfaction I was having, hmm. बहुत ज़्यादा मजा आ रहा था बट hmm. डिफरेंस क्या है आपने डायरेक्शन अगर क्लियर है आपका देखिए मज़ा तो हर चीज़ में आ सकता है आपको ज़रूरी नहीं हाँ, है कि दे सिर्फ एक चीज़ में मज़ा आएगा Corporate लाइफ में बहुत मजा आया लेकिन मुझे गोल मेरा क्लियर था और शायद मेरे पूरी ज़िंदगी में अगर कोई एक चीज़ जो मुझे बहुत लच से जिससे मुझे बहुत आ, हमेशा ही डिसीशन लेने में सुविधा मिली है वो ये है कि मैं क्लैरिटी कहीं ना कहीं मुझे हमेशा रहती है कि मुझे नेक्स्ट क्या करना है शायद मैं ज्यादा सोचता हूँ उसके ऊपर आइट्रेट करता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम ये ऐसा लगता है कि शायद शायद ये ये रिस्क है या शायद ये तो बिल्कुल अलग है लेकिन मैं कई बार उस सिचुएशन को सोच चुका होता हूँ अपने दिमाग में और मोस्ट ऑफ द टाइम जो मैंने डिसीशन लिए हैं लोगों को लगता है ये गलत है या ये तो लाइक यू नो गोइंग बिहाइंड है लेकिन मैं बहुत क्लैरिटी के साथ वो डिसीजन लिए सो सेम कॉपरेट में बिल्कुल मजा आ रहा था बहुत अच्छा था लेकिन क्लैरिटी ये थी कि मुझे ये आगे और नहीं करना है क्या करना है उसकी क्लैरिटी है बोर हो गया ये भी नहीं बोल सकता हूं फिर बोर नहीं हुआ था मैं बहुत अच्छा लग रहा था इसी क्या होता है फिर मैं बता रहा हूं ये पॉइंट अलग है कॉपरेट <laughs> लाइफ में बोर नहीं होना या मजे करना और एक और बड़े गोल की तलाश दोनों अलग है hmm. मुझे जो चाहिए था वो मुझे कॉर्परेट लाइफ में नहीं मिल सकता था मुझे क्या चाहिए था अपनी कंपनी बनानी है राइट right? कोई बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करना है जिसके लिए मैं पैशनेट हूं oh, wow. वो चीज कॉपोरेट लाइफ में आप कॉपोरेट लाइफ में भी रोज कॉपोरेट लाइफ uh, में आप प्रॉब्लम uh, सॉल्व करते हैं राइट बट दैट ड्रीम ऑफ क्रिएटिंग योर ओन कंपनी इन योर ओन वे विद योर ओन ओन विजन ऑब्वियसली देर इज अ रिस्ट्रिक्शन यू कैन डू इन कॉपोरेट राइट बट इतनी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपने कॉर्परेट लाइफ वैसे नहीं जी है कि एज इफ ये आपका बिजनेस है तो आपको बिजनेस कभी नहीं कर पाएंगे hmm. मैं जितने लोग को जानता हूं उनको लगता है कि कभी हम जब ये छोड़ेंगे अपना काम करेंगे तो ऐसे काम करेंगे आप नहीं कर पाएंगे आपका ब्रेन आपका दिमाग आपकी मेंटल कंडीशनिंग वैसे डेवलप होती है जैसे आपने काम किया है ये आपके हाथ में नहीं है आप कैसे काम करने वाले आ, हैं तो अगर कॉर्परेट लाइफ में आपने ऐसे काम किया है जैसे ये आपका बिजनेस हो तो आपके लिए ट्रांजिशन आसान होता है हाँ। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कॉपरेट लाइफ में बोर होके और एक्साइटमेंट से फिर नई कंपनी शुरू की एंड दे हैव फेल्ड बहुत सारे ऐसे भी हैं जिन्होंने लगा कि नहीं यहाँ अच्छा नहीं है और दूसरा किया और सक्सीड भी हुए सी पॉइंट यह है कि इसका कोई एक रूल नहीं है ईच पीपल कैन बी हैविंग देर ओन वे ऑफ फाइंडिंग देर ओन सक्सेस मेरे लिए एक क्लियर पाथ था मुझे अपनी कंपनी बनानी है मैंने अपनी तैयारी की अपने हिसाब से अपने आप को डेट फ्री रखा अपनी फाइनेंशियल रिजर्व्स प्लान किए उस हिसाब से और एक स्टेज पे आके मुझे लगा कि अब मुझे कुछ करना चाहिए सो ऑब्वियसली देन आई गॉट कनेक्टेड विद जो मेरे कुछ दोस्त थे उन्हीं दोस्तों के साथ जिन दोस्तों के साथ मैंने पहले शुरुआत करी थी इंसीडेंटली बट डिफरेंस ये था कि मैं बिजनेस में ग्रो किया उसने टेक्नोलॉजी में ग्रोथ किया सो so, वो एक किसी टेक्नोलॉजी कंपनी का हेड था एट अ पर्टिकुलर लेवल और मैं बिज़नेस में था तो हम लोग बातें ये करते थे वो बोलता था कि यार मैं कुछ भी बना सकता हूँ लाइक hmm. like, आज से दो अगर मैं 2012 की बात करूँगा तो मोबाइल एप्लीकेशन बाय ऑल मीन्स वाज नॉट वेरी जनरल जनरल चीज़ें नहीं थी hmm. बट बड़ वो बड़ी सारी बातें करता था कि ऐसे होगा ये कर सकते हैं मुझे अपने बिज़नेस के बारे में पता था कि मुझे बिज़नेस में सॉल्व क्या करना है तो जब हम बात करते थे तो अगर मैं उससे पूछता था यार ये बताओ ये ऐसे हो सकता है क्या यूड से या दिस कैन हैपन लाइक दिस तो ये मेरे को टेक्नोलॉजी और बिजनेस का जो uh, uh, मैं बोलूँगा सिनर्जी है वो जब तक मैं बिजनेस कर रहा था तो मुझे नहीं पता था बिकॉज hmm. टेक्नोलॉजी की अवेयरनेस बहुत कम थी बट जब उससे हम लोगों ने प्लान करना शुरू किया कि हम क्या करेंगे आगे अगर, अगर अपनी कंपनी बनानी है तो कैसी कंपनी बनानी है तो मैं बिजनेस के प्रॉब्लम्स और सोल्यूशन को विजुलाइज करता था और वो अपने टेक्नोलॉजी नॉलेज के साथ वो बोलता था ये कैसे हो सकता है दैट वॉज लेट्स ए बिगनिंग ऑफ हाउ वी स्टार्टेड थिंकिंग राइट इवेंचुअली फिर कई सारे आइट्रेशन थाट वाइज करते करते हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट प्रिपेयर किया अब कॉन्सेप्ट वो था जो कॉन्सेप्ट मैं एज अ बिजनेस हेड को कोकला कंपनी में सॉल्व करना चाहता था वो वही कॉन्सेप्ट था जो मैं वहाँ सॉल्व कर रहा था राइट right? मैं सॉल्व उसको फिजिकली uh, कर रहा था hmm. कि लाइक like, सेल्स की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएं कैसे लोगों की कैपेबिलिटी बढ़ाएं कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं कि मार्केट में हो क्या रहा है hmm. बहुत सारी चीज़ें हैं right? राइट अब उसके साथ जब टेक्नोलॉजी जुड़ती है तो एक मैजिक होता है दैट आई रियलाइज़ फॉर द फर्स्ट टाइम जब मैंने उसको एक कॉन्सेप्ट बनाया और उसने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलके उसका एक पी बोलते हैं टेक्नोलॉजी में वो करके उसने दिखाया आई वॉज ब्लोन ओवर लाइक आई थॉट कि यार ये तो मतलब दिस इज वॉट आई वॉन्ट तो वहाँ से हमने शुरुआत की कि ये बनाएंगे हम और मुझे नहीं पता था उसमें कितने सारे लोग ऐसी चीज़ बना रहे थे नहीं बना रहे थे ब्रॉडली एक ओवरव्यू लिया एंड आई वॉज सो पैशनेट टू डू दैट

अब ए को भी पूरी तरह से ए पर भी काम कर रहा है तो क्योंकि ए ने पूरा दुनिया एकदम बदल दिया है बहुत सारे लोग डरे भी रहते हैं बहुत सारे लोग खुश भी हैं हम हर दिन कुछ ना कुछ नया देख ही रहे हैं तो अभी जो ए वाली जो हवा है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप नहीं आपने सही बोला ए वाली हवा है बिल्कुल हवा तो है हवा है लेकिन हवा के साथ बहुत सारी रियलिटी है और बहुत सारी अनसर्टेंटी uh, भी है जो हवा में होती है बातें पॉइंट ये है कि कुछ चीजें जो बहुत डेफिनेटिव है देखिए बियॉन्ड अ पॉइंट आंसर तो फ्यूचर uh, है फ्यूचर में हर चीज का आंसर होता नहीं है कुछ चीजें जो बहुत क्लियरली दिखती हैं वो क्या है uh, हर इंसान जो आज कर रहा है हर कंपनी जो आज कर रही है वो बहुत ही सिग्निफिकेंटली मोर इंपैक्टफुल वे में एआई आपको हेल्प करेगा करने के लिए ये गारंटीड है वो आज भी हो रहा है हुँ. और भी बहुत ही बेहतर तरीके से होगा जिसको एक्सपोनेंशियल वे कह सकते हैं वो क्लियर है अब दूसरी बात आती है कि इसका डेंजर क्या है और ख़तरे क्या हैं व्यूज़ बड़े से डिवाइडेड हैं मैं उसका एक्सपर्ट नहीं हूँ इस बात में कि क्या होने वाला एग्जैक्टली ऑब्वियसली आई डोंट नो देर आर पीपल हु थिंक कि uh, जो भी होगा अच्छा ही होगा बिकॉज इट विल क्रिएट अबंडेंस एज दे कॉल इट लाइक हर आदमी के पास ज़्यादा से ज़्यादा केपेबिलिटी बढ़ेगी उनकी और उनके पास चॉइस बढ़ेंगे और जो आज इंसान नहीं कर सकता था वो अचीव कर पाएगा बाय लार्ज एज अ सिविलाइजेशन एज ए ह्यूमन रेस कुछ लोगों को ये भी लगता है कि ये शायद इतना पावरफुल हो जाएगी चीजें दैट कुड बी अ डेंजर आई डोंट नो बियॉन्ड पॉइंट एंड देर आर बिग पीपल हु आर रिसर्चिंग एंड हु हु आर एक्सपर्ट्स हैव वन व्यू व्यू अदर बट सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप इग्नोर नहीं कर सकते इसको एज अ कॉमन मैन इग्नोर नहीं कर सकते है. बिल्कुल एज अ करियर इग्नोर नहीं, नहीं कर सकते एज अ ऑनट्रप्रनोअर इग्नोर नहीं कर सकते एज अ डेवलप्ड कंपनी इग्नोर नहीं कर सकते इग्नोर करने की तो बात दूर है यू हैव टू डू यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ टू बी अ पार्ट ऑफ दिस लाइक यू नो किसी ने एक बड़ा कोट इसके लिए बहुत अच्छे कोर्ट्स uh, किसी ने बोला था एट सम पॉइंट टाइम रेड समवेयर दैट ए आई इज नॉट गोइंग टू रिप्लेस पीपल ए आई इज गोइंग टू रिप्लेस पीपल हु कैनॉट यूज ए आई तो आप को ए का मैक्सिमम एडवांटेज कैसे लेना है वो सीखने की बात चाहे वो मीडिया में हो वी कैन सी इट्स हैपनिंग चाहे वो स्टार्टअप्स में हो चाहे वो बड़ी कंपनी में हो सो इट्स अ गुड टाइम आई सी अनलेस अगेन सम थ्रेट पीपल हु आर एट लेट्स से दैट लेवल ऑफ विजिबिलिटी मे बी अवेयर बट आई कैन ओनली सी ग्रेट थिंग्स थिंग्सिंग अभी तो ऐसे देखने में आ रहा है कि लोगों ने लर्निंग कोर्सेज वगैरह शुरू कर दिए ए आई को लेकर के तो मतलब क्या लगता है आपको कि आने वाले टाइम में हर हर सीवी के साथ एक एआई वाली डिग्री भी चाहिए होगी हम्म आपकी बात सही है देखिए एआई ऑल परवेसिव है और हो जाएगा कहने का मतलब हर आदमी को उसका एक्सपोजर चाहिए चाहे आपको यूज करने का एक्सपोजर है उसको चाहे बनाने का एक्सपोजर है आपको चाहे उसके साथ कॉन्ट्रीब्यूट करने का एक्सपोजर है जब आप आज फॉर एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर है या कंप्यूटर है रेयरली कोई ऐसी चीज़ है जिसमें सॉफ्टवेयर यूज नहीं होता hmm. जो भी चीज़ यहाँ हम देख रहे हैं सब में सॉफ्टवेयर यूज हो, हो रहा है वैसे जो भी आज भी जो भी चीज़ है ऑलमोस्ट सब में आई यूज़ हो रहा है ऑलरेडी राइट चाहे वो गूगल सर्च हो चाहे वो फेसबुक हो चाहे इंस्टाग्राम हो हर चीज़ में ए आई यूज़ हो रहा है तो आगे इसका जो फॉर्म है या लेट्स से एआई की जो कैपेबिलिटी है जिसको टेक्निकल वर्ड्स में एजीआई बोलते हैं या टेक्निकल वर्ड्स में यू नो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ इंटेलिजेंस जो आने वाला है वो चीज़ें बदलेंगी और शायद अच्छे के लिए बदलेंगी और हर इंसान को उसके लिए तैयार होना पड़ेगा अगर आप आ, किसी भी आ, किसी भी प्रोफेशन में हैं तो जैसे आपने बोला आप कहीं ना कहीं ए से इंटरफेस करेंगे तो आप जब ए से इंटरफेस करेंगे तो आपको चाहे ए आई के टूल्स यूज करने आने चाहिए चाहे उसमें आ, कैसे लिवरेज कर सकते हैं उनको आना चाहिए तो इट्स ऑलरेडी हैपनिंग मतलब मुझे लगता है ये ऑलरेडी हो रही है सारी चीज़ें बिल्कुल सेल्स कोड ए आई क्या है अब hmm. इसके बारे में बताइए क्योंकि मैं इसको बहुत uh, गहराई से समझना चाहती हूँ मुझे लगता है कि जैसे uh, बहुत सारे लोग बहुत सारी टेक्निकल भाषा नहीं समझते हैं सेल्स वाली चीजें नहीं समझते हैं तो सेल्स कोड किस तरह से काम करता है और एक 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 आम आदमी को अगर सेल्स कोड को समझना है तो इसको बताइए कि सेल्स hmm. कोड क्या है सेल्स कोड ए आई सो so, अगर मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं तो मैं जब बिजनेस हेड था तो ऑब्वियसली किसी भी बिजनेस में सेल्स एक बड़ा पार्ट होता है उसका किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए आई थिंक सेल्स सेल्स ही होता जी, है। ही मेन मेन पार्ट पार्ट होता होता है है right. राइट तो और पूरे करियर में मैं सेल्स या मार्केटिंग से जुड़ा रहा हूं डिफरेंट स्टेजेस इन लाइफ तो एक लेवल पे मुझे और वो भी सेल्स और मार्केटिंग में बोलूंगा तो कंज्यूमर गुड्स कंपनीज लेट्स से जैसे कोक होती है या पेप्सी है या परफेटी है या मार्स uh, है तो जो कंपनियां एक पैकेज गुड्स बेचती हैं मैंने ज्यादा उन चीज़ों पर काम किया है उन चीजों उन, उन इंडस्ट्रीज में काम किया है uh, अब सेल्स की अगर मैं बात करूं तो सेल्स एक है जो रिलेशनशिप ड्रिवन सेल्स है hmm. आप चाहते हैं कि आपका सामान बिके दूसरा है कि आपने इतने एक्सपर्ट और इतने स्मार्ट हैं कि आपको बेचने की जरूरत नहीं पड़ती आपके पास इतनी अच्छी चीज़ है कि लोग खरीदना चाहते हैं hmm. राइट right? ये जो दूसरी बात है ये एक परसेंट लोग भी नहीं करते सेल्स क्यों थोड़ा सा लत से बदनाम है या सेल्स को कई बार अलग निगाह से लोग देखते हैं इसलिए बिकॉज एक मोटिव छुपा होता है जैसे आप सेल्स बोलते हैं तो ऐसा लगता है एक मोटिव छुपा हुआ है इसके पीछे सेल hmm. करना चाहते ah. हैं आर यू ट्राइंग टू सेल मी डोंट सेल मी राइट बिकॉज ओवर पीरियड ऑफ टाइम लैक ऑफ कॉम्पिटेंसी लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग या जिसकी वजह से ऐसा कुछ हुआ लेकिन अगर एक प्रोसेस को देखेंगे तो सेल्स प्रोसेस वो है कि आप कुछ खरीदना चाहते हैं और मैं आपको हेल्प कर रहा हूं वो चीज खरीदने में सेल्स बिल्कुल right? अब ये जो गैप है एक गैप ये है कि आप बेचना चाहते हैं और दूसरा इतनी एक्सपर्टीज के साथ आप एक कस्टमर को हेल्प कर रहे हैं कि वो चीज अगर उसकी जरूरत की है तो वो राइट right डिसीजन ले सकता है इस दोनों के बीच में कैपेबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग का बहुत बड़ा गैप है बिल्कुल सो so, जैसा सेल्स कोड वर्ड है सेल्स और कोड तो ये सेल्स का एक नया कोड है आप ऐसे बोल सकते हैं जो फ्यूचर रेडी सेल्स टीम के लिए बना है और फ्यूचर रेडी ट्रेड के लिए बना है सो so, अगर मैं ऐसे बताऊं सेल्स के दो पार्ट होते हैं एक होता है सेल्स के लोग जो सेल करने जाते हैं और एक होते हैं चैनल पार्टनर्स सो अगर मैं बताऊं कि एक सी इंडस्ट्री या कंज्यूमर प्रोडक्ट्स गुड इंडस्ट्री में सेल्स होने का एक तरीका है कुछ सेल्स के लोग होते हैं जो हज़ारों किराना स्टोर है उस पर जाते हैं वहां से ऑर्डर लेते हैं एक पार्ट हो गया सेल्स का दूसरा पार्ट हो गया जो चैनल पार्ट है जो दुकानदार है आपके वो दुकानदार आगे कस्टमर को बेचते हैं तो पूरा सेल्स का साइकिल हाँ, ये हाँ, है हाँ। अब सेल्स कोड में हमने जो बनाया है पिछले चार पांच साल से जिसपे हम लोग रिसर्च कर रहे थे और इवेंचुअली हमने जो नया कोड बनाया है उस नए कोड का पर्पस ये है कि एक तरफ सेल्स के जो लोग हैं उनकी कैपेबिलिटी मल्टीपल टाइम्स बढ़े Hmm. जिसको एक्सपोनेंशियल ऑगमेंटेशन ऑफ केपेबिलिटी बोल सकते क्योंकि AI से हर सेल्स का आदमी बहुत बेहतर तरीके से बहुत ही ज्यादा स्मार्टली और बहुत ही मोर इम्पैक्टफुल तरीके से अपनी बिजनेस बढ़ा सकता है ये हो गया सेल्स hmm. का पार्ट दूसरा पार्ट है चैनल पार्टनर जो दुकानदार हैं आपके तो उसमें फिर हमारा एक और प्रोडक्ट है तो दो प्रोडक्ट हैं एक है फॉर द सेल्स गाइस दूसरा है फॉर चैनल पार्टनर्स उसमें हमारा विजन ये है कि हर दुकानदार अपने पास उसके पास एक ऐसा ऐप है जो जिसको हमारा ई बी टू बी एप बोलते हैं जो अलग अलग कंपनियां यूज़ करती हैं जिससे उस जो अपना बिज़नेस बढ़ा सकता है तो दुकानदार अपना बिज़नेस बढ़ा सकता है सेल्स रेप अपनी सेल्स बढ़ा सकते हैं दैट्स वॉट इस सेल्स कोड ऑल अबाउट इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग फ्यूचर रेडी सेल्स टीम एंड फ्यूचर रेडी ट्रेड I don't know if it is still making sense. बिल्कुल बिल्कुल. Yeah? लेकिन मुझे बस ये जानना है रंजीत की ठीक है अगर ये 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 बहुत बहुत ना हो तो जी। कि जो बढ़ती बढ़ती है है वो कैसे बढ़ती है? आ, ये बहुत अच्छा पूछा आपने अगर आप सेल्स करने पे जोर कम देते हैं और कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व करने पे ज्यादा जोर देते हैं तो सेल्स बढ़ जाते हैं दोनों चीज बता रहे देखिए क्या होता है कि सेल्स में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही है कि हर आदमी सेल करना चाहता है बिना यह जाने कि कस्टमर की जरूरत पूरी हो रही है कि नहीं हाँ। तो वहां पे आप ज्यादा नहीं कर सकते हाँ। ज्यादा आप तब कर सकते हैं जब आपके पास इतनी इंफॉर्मेशन हो आप इमेजिन कीजिए आपको एक प्रोडक्ट है एक हजार दुकानों पर प्रोडक्ट बेचना है राइट एक तरीका ये है कि आप ज्यादा मेहनत करेंगे हर दुकान पर जाके बेचने की कोशिश करेंगे और कुछ दुकान आपके प्रोडक्ट्स को लेगी कुछ दुकान आपके प्रोडक्ट्स को नहीं लेगी एक तरीका ये है दूसरा तरीका यह है कि आपके पास एक इतना इंटेलिजेंट सिस्टम है जो आपको बताता है कि आप सिर्फ यह 250 दुकानों पे जाइए इस दुकान पे यह बेचिए इस दुकान पे यह बेचिए इस दुकान पे यह मत बेचिए और इस दुकान पे यह चार चीजें बेचिए इसके साथ ये बेचिए आपको बता रहा है wow. वो सो so हमारा जो सिस्टम है और हम इसको क्यों न्यू कोड ऑफ सेल्स बोलते हैं हम गारंटी बोलते हैं हम अपनी कंपनी हमने कस्टमर्स को गारंटी देते हैं कि अगर एक सेल्समैन है जिसने उसके पास जो दूसरा कोई भी ऑटोमेशन है वो यूज कर रहा है दूसरा हमारा ए आई ऑगमेंटेड ऑटोमेशन यूज कर रहा है सेल्स कोड गारंटीड ही विल बी एबल टू सेल मोर आपने बोला बि, बिकता कैसे हम गारंटी के साथ बताते हैं कि हमारे सिस्टम से वो ज्यादा बेच पाएगा अगर नहीं बेच पाया तो हम हंड्रेड परसेंट मनी बैक प्लस टेन परसेंट पेनल्टी देते हैं क्या बात एक्चुअली इट्स अ स्टेटेड अग्रीमेंट कि हम 110 परसेंट मनी बैग गारंटी देते हैं सो so, अब पहली तो बात यह हो गई कि हम जानते हैं कि सेल्स बढ़ता कैसे है हमने उस जानकारी को यूज करते हुए और नई टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए एक इंटेलिजेंस सिस्टम बनाया है या नया कोड बनाया है जिससे सेल्स ज्यादा हो सकती है अब बात आई एक लेमैन टर्म्स में सेल्स ज्यादा कैसे हो सकती है अगर कस्टमर को जो चाहिए वो आप राइट right टाइम पे राइट right चीज राइट right इंफॉर्मेशन के साथ अगर आप उसको दे पाते हैं तो कस्टमर की लाइटलीहुड ज्यादा है खरीदने की और जो नहीं खरीदना चाहता उसको पैसे भी नहीं बेच सकते बेचना hmm. भी नहीं चाहिए राइट सो नॉलेज इंफॉर्मेशन अगर आपको इतनी है कि इतने सारे लोग इन चीजों के लिए ज्यादा रेलिवेंट कस्टमर हैं तो आप ज्यादा एफिशियंट हो जाते हैं आई मीन सिंपल वे में बहुत सारी और चीजें हैं इसके पीछे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि एक सेल्स का आदमी अपनी सेल्स कैसे बढ़ाता है राइट right? बट दूसरी चीज हमारी है कि अगर आप ये इमेजिन कीजिए कि मैं एक कंपनी हूं और मुझे एक हज़ार दुकानों पे अपनी सेल बढ़ानी है मेरा सेल्स का आदमी है उसके पास एक इंटेलिजेंस सिस्टम है जो उसको गाइड करता है जो उसको सारी चीज़ बताता है जैसे आप एग्जांपल अगर चैट जीपीटी की तरह लेंगे तो चैट जीपीटी बहुत चीज़ों में हेल्प करता है आपकी आप, आप ज़्यादा स्मार्ट हो सकते हैं चैट जीपीटी यूज कर कर तो वैसे ही सेल्स कोड जैसे आप यूज करते हैं तो आप चाहे आप ट्वेल्थ पास हो चाहे आप ट्वेल्थ फेल हो चाहे आपने इंजीनियरिंग कर रखी है चाहे नहीं कर रखी है जनरली हमारा सिस्टम आपको एक बराबरी पर लेके आएगा इन टर्म्स ऑफ योर केपेबिलिटी कि आप वो सारी चीज कर पाएंगे जो एक बहुत स्मार्ट आदमी शायद कर सकता था hmm. क्योंकि वो सारा डेटा आपको सिस्टम बना के दे रहा है सो hmm. एग्जैक्टली so, exactly हम इसको बोलते हैं टास्क ए आई जनरेटेड टास्क वो आपको एग्जैक्टली exactly बता देता है करना क्या है तो जब आपको एक सिस्टम ये बताए कि एग्जैक्टली exactly ये करोगे तो ये होगा तो बहुत आसान बात हो गई ना ऐसे तो जो बहुत स्मार्ट लोग हैं दो परसेंट दस परसेंट बीस परसेंट जो बहुत स्मार्ट लोग हैं उनको यह पता होगा कि क्या करने से क्या होने वाला है hmm. लेकिन जो नाइन्टी परसेंट दूसरे लोग हैं उनकी लिमिटेशन होती है चीजों को समझने की कई लोग नए होते हैं कई लोग उतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है कई लोग सीख नहीं पाते हैं कुछ भी होता है सेल्स में बिकॉज ऑब्वियसली बहुत सारे लोग होते हैं तो एक ऐसा सिस्टम जो हर आदमी को एक लेवल की कैपेबिलिटी पे लेके आए वो एआई कर रहा है hmm. जो सेल्स कोड में हम करते हैं hmm. दूसरा सिस्टम साथ का ही एक सिस्टम है आप इमेजिन कीजिए कि उस हजार दुकानों के पास आपका भी एक ऐप है तो पहले तो सेल्स के बंदे के पास और सेल्स के जो आपके लोग हैं उसके पास एक सेल्स कोड है सेल्स कोड का ऐप है दूसरा एक आपके जो कस्टमर है उनके पास भी है आपके कस्टमर भी वो सारी चीज देख सकते हैं जो खरीदना चाहते हैं नई चीज़ क्या आ रही है मार्जिन क्या है प्रोडक्ट्स क्या हैं बेनिफिट्स क्या हैं खुद डिसाइड कर सकते हैं वो तो डिसीशन मेकिंग आसान कर रहे हैं आप अपने कस्टमर के लिए तो जिस दिन आप अपने कस्टमर की डिसीशन मेकिंग आसान करते हैं उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं उनके साथ ट्रांसपेरेंसी से बिहेव करते हैं और उनको ये ट्रस्ट आता है कि आपका सामान लेने से या आपके साथ काम करने से वो बेहतर बिजनेस कर पाएंगे तो आपका बिजनेस बढ़ जाएगा सिंपल फिर ये तो मतलब सेल्स कोड तो फिर ऐसी चीज हो गई कि अगर आपके दिमाग में स्टार्टअप का आइडिया भी है

ये सारी कंपनियां अभी हमारा टारगेट ऑडियंस है क्योंकि हमारा सिस्टम अभी इन चीज़ों पे काम करने के लिए काबिल है या इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकता है इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से अपने सिस्टम इंटेलिजेंस सिस्टम में क्रिएट करके उनको हेल्प कर सकता है बाकी इंडस्ट्री में अभी हम फोकस नहीं कर रहे हैं बिकॉज़ हमारा ये मानना है कि आप का सोलूशन एक छोटे सेगमेंट के लिए बड़े हो लेकिन इतना पावरफुल हो कि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो हम अभी ये सीपीजी इंडस्ट्री है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दें कल को आगे और दूसरी इंडस्ट्री हो सकती है एज ऑफ नाउ हमारा फोकस कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री है वाओ इंटरेस्टिंग राइट तो लेकिन एक चीज बताइए रंजीत जैसे आजकल इतने सारे एआई स्टार्टअप्स हैं बहुत सारे जो वीसीज हैं या इन्वेस्टर हैं या एंजल इन्वेस्टर हैं जो भी हैं वो सब ए आई की तरफ जा रहे हैं मतलब वहीं पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं क्योंकि उनको वहीं पे फ्यूचर दिख रहा है जी। उनको लगता है की ए आई में तो और बहुत सारे अच्छा कर भी रहे हैं तो अभी क्या लगता है कि जो ए आई स्टार्टअप नहीं है उनको फंडिंग मिलनी बंद हो जाएगी क्या या सबको ए आई लेके आना ही पड़ेगा देखिए फंडिंग एक बहुत बहुत अलग सब्जेक्ट है मैं थोड़ा सा कुछ बोलना चाहूंगा इस पे जितना भी है और बहुत डाइवर्स चीज है कोई डेफिनेट आंसर नहीं है कि फंडिंग का, फंडिंग का कैसे मिलनी आसान किसी के लिए है किसी के लिए मुश्किल है और आप बीन पॉइंट नहीं कर सकते कौन कौन आपको फंड करेगा, कौन नहीं फंड करेगा करेगा नहीं बहुत सारी चीज होती है उसके अंदर वीसी फंडिंग अलग होती है एंजल फंडिंग, फंडिंग अलग होती है स्ट्रेटजिक फंडिंग अलग होती है ये आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे मेरा ये मानना है कि आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे ए बनाना है या टेक्नोलॉजी बनाना है या क्या बनाना है आपको ये सोचना चाहिए कि कौन सी प्रॉब्लम आप दूसरों से बेहतर सॉल्व कर सकते हैं अगर आपने कोई ऐसी प्रॉब्लम दूसरों से बेहतर सॉल्व कर ली है जिसमें ए की ज़रूरत नहीं है तो उसमें भी आपको फंडिंग मिलेगी लेकिन चूंकि आज ए एक ऐसी स्टेज पर है या आगे फ्यूचर ऐसा दिखता है कि ऑलमोस्ट हर प्रॉब्लम में अगर आपने ए यूज़ किया है तो उसको बेहतर तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं थेरिटिकली लेकिन अगर आपने प्रॉब्लम सॉल्व की है एट सम स्केल तो आपको फंडिंग मिल सकती है बट पॉइंट यह है कि फिर उसमें बहुत सारी क्राइटेरिया है वेंचर किसको फंड करते हैं कभी थीम आता है उस समय उसको फंड करते हैं या सर्टिन लेवल ऑफ उनकी अपनी असेसमेंट होती है इसलिए फंड करते हैं उनके ग्रोथ एक्सपेक्टेशन होती है इसलिए फंड करते हैं uh, मैं ये नहीं मानता हूं कि जो दूसरी इंडस्ट्री के लोग हैं या जिसमें ए आई नहीं है एग्रीटेक है या आइडियली uh, लेकिन मैं फिर एक तरीके से सोचूं तो हर जगह ए यूज़ भी हो सकता है हाँ। लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं एआई अगर लगाऊं नाम में या काम में तो उससे फंडिंग मिल जाएगी वो अप्रोच को थोड़ा मैं अग्री नहीं करता हूँ राइट यूज uh, करना चाहिए और अगर एआई मुझे हेल्प करता है बेहतर सॉल्व करने में तो करना ही चाहिए हाँ। और अगर मैं नहीं करता हूं बट एआई कर सकता है तो एनी मैं पीछे जाऊंगा राइट सो आई वुड स्टिल से कि प्रॉब्लम सॉल्व करने पे फोकस होना चाहिए और अगर एआई सॉल्व कर रहा है तो एआई के साथ कीजिए अगर उसके बिना हो रहा है तो उसके बिना कीजिए लेकिन आज की फील्ड में ऐसा लगता है कि हर चीज में ए आप यूज करेंगे तो बेहतर सॉल्व कर पाएंगे बिल्कुल बिल्कुल सही बात है अभी तो आ, सारा गेमिंग ए वाला हो गया एकदम है ना जी आ, रंजीत क्योंकि आप स्टार्टअप में इतने सालों से आप अपना स्टार्टअप चला रहे हैं आपको क्या लगता है कि एक एक एंट्रप्रनोर के लिए प्लान बी कितना ज़रूरी है क्योंकि मुझे मतलब मैं ये कोई सबका सवाल नहीं है ये सिर्फ मेरे को ऐसा लगता है कि अगर हमारे पास प्लान बी है तो वो क्या हमें डिस्ट्रैक्ट करता है कहीं ना कहीं से चलो छोड़ दिया बट मैं ये बिल्कुल नहीं बोलता हूं कि यही राइट तरीका है बिकॉज मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो इसमें बिलीव नहीं करते उनको भी सक्सेसफुल होते देखा और ऐसे लोगों को भी देखा है जो प्लान ए बी सी डी सब बनाते हैं फिर भी सक्सेसफुल होते हैं तो मैं अपनी बात बताऊंगा जो मुझे क्या सूट करता है राइट बट जनरली सबको अलग ऐसा ही सूट करेगा ये मुझे नहीं पता बिकॉज हर तरह के लोग होते हैं, right? मेरा अपना मानना है, या मैं अपनी जिंदगी में देखूंगा जहां पे भी चाहे वो करियर में चाहे अभी ऑन्टरप्रनरशिप में मैं कभी प्लान भी नहीं बनाता हूं अब मैं क्यों नहीं बनाता हूं इफ आई एम थिंकिंग एंड इट्स यू नो क्वेश्चन विच इज मेकिंग मी थिंक मुझे लगता है कि इतनी तैयारी करनी चाहिए कि आपके साथ बहुत सारे ऑप्शन उसमें ही प्लान ए के अंदर yes. बड़े सारे ऑप्शन hmm. हैं हर मोमेंट आप एक चॉइस ले रहे होते हैं जिसको बोलते हैं एवरी मोमेंट यू आर चूजिंग समथिंग इतनी सारी चीजें आपने प्लान ए में राइट स्टेप्स लिए या नहीं लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग और थिंकिंग दैट व्हाट इफ इट डजेंट वर्क देन व्हाट बैकअप डू आई नंबर वन बट मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे ये लगता है कि जो आपने भी कुछ हद तक ये बात बोली कि जब आपके पास ऑप्शन होता है तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये बैकअप है और आपको शायद गिवअप करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो सकती है अगर एब्सोलूट ऑप्शन भी है तो बट अगर कोई ऑप्शन नहीं है मतलब मैंने अभी कोई डिसीजन आज तक लाइफ का नहीं लिया होगा जिसमें मुझे दूसरा ऑप्शन भी था क्या लेकिन मैं क्या करता हूं मैं देखता हूं, हूं मिनिमम रिस्क क्या है मेरा और मैक्सिमम रिस्क क्या है मेरा सारे डिसीशंस हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं या कंपनी में कोई नया इनिशिएटिव लेते हैं या मैंने अपने करियर में कोई डिसीशन लिया हो तो मैंने यह देखा कि पहले मैं ये चाहता हूँ करना क्या और अगर मैं ये करना चाहता हूँ तो नहीं करने का रिस्क क्या है पहली बात तो नहीं करने का रिस्क यह है कि आई ऑलवेज बिलीव दैट रिस्क ऑफ नॉट डूइंग इज बिगर देन रिस्क ऑफ डूइंग फर्स्ट और दूसरी बात कि अगर ये चीज़ फेल होती है तो मुझे कहाँ तक लेके जाएगी ऑप्शन बी के बिना मुझे लगता है कोई भी चीज आप करते हैं तो अपसाइड और डाउन साइड अगर आपने मेजर किया है और उसके बीच में अगर आप चॉइस लेते हैं हर मोमेंट पे और यू कीप आइटरेटिंग दैट आई थिंक इट इट्स वेरी रेयर दैट विल फेल बट अगेन आई एम मेकिंग दिस क्वालिफाइड स्टेटमेंट दैट यस डिस्पाइट लॉट ऑफ एफर्ट सम्स लोग फेल कर जाते हैं मुझे नहीं सूट करता पर्सनली मुझे भी लगता है कि डिस्ट्रैक्ट तो कर ही देता है हाँ मतलब मुझे नहीं सूट करना हाँ। हाँ। मुझे जरूरत नहीं पड़ी शायद कभी भी हाँ क्योंकि so, ये thinking. हो जाता है ना कि ठीक है हुआ तो हुआ नहीं हुआ तो फिर उसके बारे में सोचा जाएगा <laughs> नहीं देखिए ये शायद इतना भी लाइट uh, नहीं होगा <laughs> जो आप बोल रहे हैं क्योंकि फिर तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे फिर तो ए भी नहीं कर पाएंगे मैं कह रहा हूँ आपने सीरियस चॉइस भी अगर लिया है लाइक प्लान ए एंड लाइक ट्राई ऑल योर बेस्ट नहीं हुआ तो प्लान बी मे बी इट वर्क्स मुझे जरूरत नहीं पड़ी कभी और मैं बिलीव नहीं करता हूं शायद इसलिए और मुझे लगता है कि अगर आपने राइट तरीके से तैयारी की है तो आपको रास्ते मिलते जाते हैं सबसे बड़ी चीज मुझे इसमें लगता है कि अगर आपने राइट तरीके से तैयारी की है तो रास्ते मिलते जाते हैं और अगर आप उस पर लगातार काम करते हैं तो रास्ते मिलते जाते हैं तो प्लान बी की जरूरत शायद नहीं है लेकिन मैं अपने लिए बोल सकता हूं बहुत सारी जगह शायद होती होगी जरूरत मैंने कभी प्लान बी आई एम स्टिल थिंकिंग आई नेवर है अभी तो मुझे लगता है कि अब जरूरत भी नहीं है नहीं जरूरत हमेशा होती है अच्छा देखिए आप हर मोमेंट कोई डिसीजन ले रहे होते हैं कंपनी आगे बढ़ेगी देखिये कंपनी का ग्रोथ और जर्नी तो यू नोवेज इज हैिंग एट डिफरेंट पॉइंट टाइम तो आज अगर कंपनी में कोई बड़ा डिसीजन लेना हो चाहे फाइनेंशियल डिसीजन लेना हो चाहे ग्रोथ का डिसीजन लेना हो उसमें हमेशा आपके दिमाग में एक रिस्क भी है और एक अपॉर्चुनिटी भी है और वहीं पे प्लान ए और प्लान बी आता है आपने ये किया अगर सारी चीजें फेल हो गई तो क्या तो प्लान बी है बट अगर आपने ये डिसीजन लिया कि मैंने ये बहुत तैयारी के साथ डिसीजन लिया है सारी चीज देख ली है अगर ये नहीं होगा तो कम से कम इतना होगा फिर देखेंगे क्या होगा तो फिर मैं ऑप्शन ए में ही मेरे बड़े सारे ऑप्शन हैं मैं ये भी कर सकता हूं ये भी कर सकता हूँ यहाँ नहीं तो यहां तक लेके जाएगी चीज यहाँ नहीं तो यहां तक लेके जाएगी फिर कुछ नए रास्ते निकालेंगे तो मुझे लगता है कि ऑप्शन ए पे ही काम करते रहने से बड़े सारे ऑप्शंस और भी निकल आते हैं रादर देन हैविंग ऑप्शन बी व्हिच इज वेरी डिस्टिंक्टली डिफरेंट देन ऑप्शन ए ये आ, शायद मैंने ऐसा ही किया है अभी तक बट आई एम श्योर इट्स नॉट द ओनली वे या बी टू बी जिस हम लोग बात करते रहते हैं बहुत बहुत कुछ चल रहा है उसमें ई बी टू बी क्या है और ये बी टू बी से किस तरह से ये, मतलब ये। कितना क्या डिफरेंस है इनके बीच देखिए बी टू बी सिंपल है बिजनेस टू बिजनेस एक है बी टू सी बिजनेस टू कंज्यूमर एक है बिजनेस टू बिजनेस कोई नई चीज नहीं है बिजनेस टू बिजनेस हमेशा ही होता है ई बी टू बी और सिंपल तरीके से सोचें तो बी टू बी का ई e कॉमर्स जो है वो ई बी टू बी है राइट सो right? so, अगर कंपनियां जो फ्लिपकार्ट है या अमेजोन है इसको बी टू सी अब अगर आप मानते हैं कि वो कंज्यूमर को बेचती है बिजनेस एक कंज्यूमर को बेचता है तो कुछ कंपनियां हैं जो बिजनेस को बेचती हैं वो बी टू बी हो गया अब बी टू बी भी बहुत डाइवर्स है आप किसी एक इंडस्ट्री में अपना एक प्लेटफॉर्म बना सकते हैं जिसमें उस इंडस्ट्री के बिजनेस के लोग कुछ चीज़ें खरीदते हैं या बेचते हैं राइट तो वो ई बी टू बी बोल सकते हैं या ई बी टू बी कॉमर्स और बी टू बी ई कॉमर्स वट एवर इट इज हम अगेन हमारे जो ई e बी टू बी प्लेटफॉर्म्स हैं वो अभी कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री के लिए बने हुए हैं राइट जहाँ एक कोई भी बड़ी कंपनी चाहे वो आई हो या कोको -को कोला हो वो अपने प्रोडक्ट्स अपने बिजनेस पार्टनर्स को बेचती हैं जैसे दुकान है राइट एक किराने की दुकान है अब आप ये सोचिए कि आज से तीन साल पहले तक उस किराने की दुकान पे अगर आई का आशीर्वाद आटा बिकना है तो किसी के सेल्स के आदमी को वहाँ आना पड़ेगा उससे ऑर्डर लेना पड़ेगा बिल्कुल राइट या फोन पे भी कर सकते हैं लेकिन चूंकि लाखों दुकानें होती हैं तो एक फिजिकल प्रेजेंस था अभी जो ये EB2B है वो फिजिकल प्रेजेंस को एलिमिनेट करने की जरूरत तो नहीं है लेकिन अगर बंदा नहीं जा पाया वहां तो दुकान फिर भी ऑर्डर कर सकता है एक बात दूसरी बात कि जब आप एक दुकान पर जाते हैं एज अ सेल्समैन तो आपके पास एक लिमिटेड टाइम होता है पांच मिनट दस मिनट जो आप बताते हैं अपने प्रोडक्ट्स को दुकान भी दुकानदार भी बिजी होता है कस्टमर में भी बिजी होता है और भी सेल्स के लोग आते हैं तो वो लिमिटेड विंडो में ही आप अपनी चीज बता सकते हैं एक दुकानदार को जब आपके पास ये ई बी टू बी एप है hmm. जो आई ने दिया है जिसमें आई की सारी चीजें हैं तो आप कभी भी ऑर्डर कर सकते हैं बहुत बड़ी पावर है ये बहुत छोटी सी चीज लगती है बहुत बड़ी पावर है एक बिजनेस के लिए बिजनेस जो बेचना चाहता है और बिजनेस जो खरीदना चाहता है आप ये समझिए कि आज के डेट पे हमारे 20 टू 30 परसेंट ऑर्डर ई बी टू बी एप जो बड़ी कंपनियां हमारा यूज करती हैं जो बिज़नेस आवर्स के बाद आते हैं जब कोई विजिट नहीं कर रहा होता उनको छः बजे के बाद अच्छा। बारह बजे रात तक अर्ली मॉर्निंग एंड संडे हमारे थर्टी परसेंट ऑर्डर्स तब आते हैं जब सेल्स का आदमी जा चुका होता है विच इज़ पावर ऑफ ई बी टू पी क्योंकि आपने उसको इनेबल किया लाखों किराने की दुकानें या लाखों ऐसे ट्रेडर्स हैं जो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से बहुत सारी चीज़ फिर वो देख सकते हैं अच्छा दूसरी बात कि जनरली एवरी कंपनी जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं जो, जो हमारे ऐप यूज करती हैं अगर वो एक ऑर्डर में एग्जाम्पल के तौर पे दो हजार रुपए का पहले ऑर्डर करते थे एक सेल्स का आदमी गया उसने दो हजार का ऑर्डर लिया बट वही दुकानदार अगर ऐप यूज कर रहा है तो ढाई हजार का ऑर्डर कर रहा है क्योंकि सेल्समैन की क्षमता उसको बताने की और टाइम उसको समझाने का लिमिटेड है बिल्कुल यहाँ पे जब मैं देख रहा हूँ दो चीज अच्छी लगी कुछ विज चीज अच्छी लगी और सारा एआई आई एनेबल्ड है ऑर्गमेंटेड है तो उसको चीजें अच्छी लगती हैं ऑर्डर करता है आ, अपने कन्वीनियंस से अपने टाइम के हिसाब से इतनी बड़ी पावर है जो आज हो रही है आज के रेट पे ये एक रेवोल्यूशन है एक देखिए क्या होता है कि आज कुछ चीजें हो रही हैं तो लगता है चलो एक स्टेज पे कुछ ऑटोमेशन है कुछ चीजें हो रही हैं ये पांच साल बाद जब चीज बदल जाती है तो लगता है ये ऐसा भी पहले होता था क्या ई बी टू बी वो है आज स्पेशली इंडिया के लिए आप समझिए इंडिया एक ऐसी मार्केट है जहां पे 90 परसेंट बिजनेस आज भी ट्रेडिशनल ट्रेड इसको बोलते हैं उससे होता है मतलब किराने की दुकान या ग्रोसरी की दुकान जनरल स्टोर्स वहां से नब्बे परसेंट बिजनेस वहां से होता है ई e कॉमर्स बहुत छोटा पार्ट है <laughs> दिखता ज्यादा है लेकिन बहुत छोटा पार्ट है क्योंकि इतनी डाइवर्स कंट्री है अब वो ई बी टू बी के आज शायद दस परसेंट लोग होंगे जो ई बी टू बी ऐप यूज करते हैं राइट सिर्फ दस परसेंट होंगे आप इमेजिन कीजिए जब एट्टी परसेंट होंगे तो कितनी बड़ी पावर अनलॉक होती है कितना बड़ा रेवोल्यूशनरी चेंज होता है फ्रॉम द वे ऑफ डूइंग बिजनेस आज अगर आप ई बी टू बी को एक ऑल्टरनेट चैनल मान सकते हैं कि चलो ये भी है बट शायद तीन साल के बाद या पांच साल के बाद और सुनर देन लेटर इट विल बी योर बिगेस्ट चैनल यू कैन सर्वाइव दैट राइट सो इट्स अूज रेवोल्यूशन हैपनिंग एज वी स्पीक हेयर इन इंडिया जहाँ सारे ट्रेडर्स सारे चैनल पार्टनर्स सारे दुकानदार एम्पावर्ड हो रहे हैं कि आप अपनी मर्जी से अपने चॉइस का सामान फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ फुल कमिटमेंट के साथ उस कंपनी से खरीद सकते हैं जिस कंपनी का आप ऐप यूज कर रहे हैं सो दैट्स हाउ लार्जली इज ई बी टू बी राइट नाइस सेल्स कोड की जो क्योंकि आप लोग बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं तो सेल्स कोर्ट की जो टीम है मैं चाहूंगी कि आप उस टीम के बारे में कुछ बताएं जो इतने जोश के साथ इतने बड़ी पर काम कर है आपके साथ जी जी सो so, uh, थोड़ा शायद यूनिक है या नहीं है मुझे नहीं पता बट आई जस्ट टेल यू वेर वी आर राइट नाउ सो अभी लगभग uh, लोग होंगे हमारी टीम में टोटल कंपनी में जो यूनिकनेस है हमारी हमारे पास या तो बहुत बहुत ही से कम एक्सपीरियंस के लोग हैं या बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस के लोग हैं राइट अब ये एक इसके पीछे क्या गणित हाँ, राइट <laughs> इसके पीछे शायद ये गणित है कि मैं ज्यादा एक्सपीरियंस का आदमी था hmm. मेरे को फाउंडर सो एज ए को फाउंडर अनलाइक लॉर्ड ऑफ स्टार्टअप गाइज वी नॉट लाइक स्टार्टिंग फर्स्ट बिजनेस और स्टार्टिंग टू डू समज हमने जब बिजनेस छोड़ा हमने जब अपना करियर uh, के बाद यह शुरू किया तो बोथ ऑफर्स एंड वन मोर गाए वी हैड लाइक सिक्सटीन ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस जिंदगी में सारे बिजनेस हर तरीके से कर चुके थे सारी एक्सपर्टीज थी तो जब आप बिजनेस अपना शुरू करते हैं तो यू हैव टू स्टार्ट एट अ कॉस्ट विच यू कैन मैनेज राइट सो ऑब्वियसली देन वी स्टार्ट हायरिंग पीपल इंजीनियरिंग टैलेंट एट फ्रेशर की सबसे बड़ी बात होती है कि देर इज नो माइंड सेट कोई भी चीज सीख सकते हैं शुरू में मुझे नहीं पता था बट जो मेरे दूसरे को फाउंडर है उन्होंने बताया कि लगता था यार अच्छी चीज बनानी है तो एक्सपीरियंस लोग चाहिए बट जितने भी हमारे टेक्नोलॉजी के सीनियर लोग थे और को फाउंडर्स थे उन्होंने बोला कि नहीं बिल्कुल नहीं सीनियर तो हम हैं हमको पता है अच्छी चीज क्या है पर हमको ऐसे लोग चाहिए जो बहुत माइंड सेट उनका ओपन हो और वो जल्दी सीखते हैं तो उन्होंने टेक्नोलॉजी टीम में ऐसे लोगों को लेना शुरू किया ओवर पीरियड ऑफ टाइम मैं भी इसका स्ट्रेंथ समझ पाया अभी आप ये समझिए कि हमारी जितनी भी टीम है चाहे वो एच टीम है चाहे वो फाइनेंस की टीम है चाहे वो प्रोजेक्ट्स की टीम है चाहे वो सेल्स की टीम है चाहे वो टेक्नोलॉजी टीम है हर टीम में एक दो सीनियर आदमी हैं बाकी सारे के सारे अंडर ट्वेंटी फाइव हैं अब ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा हमारे लिए मतलब इट्स अ यूनिक थिंग इट्स वर्किंग सो वेल आई कैन टेल यू वाई बिकॉज आई एम प्राउड ऑफ इफ इफ़ यू आस्क मी वॉट वन ऑफ फ्यू थिंग दैट आई एम प्राउड ऑफ इज प्राउड ऑफ यू नो पीपल इन आर कंपनी जो चौबीस साल के हैं और कस्टमर की साइड पर जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियाँ हैं वहाँ पे पच्चीस साल एक्सपीरियंस कोई आदमी है या बारह साल एक्सपीरियंस कोई आदमी है कोई जनरल मैनेजर है और उसके साथ हमारे ये तेईस और चौबीस साल और बाईस साल के लोग मीटिंग करते हैं और उनको वो चीज़ बताते हैं जो हमारी एक्सपर्टीज़ है और वो सेटिस्फाइड होते हैं उन लोगों से wow. इफ यू आस्क मी दैट्स द बिगेस्ट थिंग दैट इवन एट ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर हमारे लोग इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं दो तीन साल में दैट हमारे जो दूसरे कस्टमर हैं जो उनसे बहुत ज्यादा क्वालिफाइड है बहुत सीनियर हैं बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस hmm. है देस ई अ ग्रेट वैल्यू विद राइट सो ये कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल हु आर फ्रेश लाइक रियली एनर्जेटिक एंड अजाइल टू लर्न क्विकली एंड पीपल हु आर एक्सपीरियंसड रियली नो वॉट इज गुड बैड एंड हु कैन ग्रूम दीज पीपल वेल ये एक बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन हमारा डिवेलप हुआ है ओवर पीरियड ऑफ टाइम एंड नाउ शायद जब हमने शुरू किया था तो इतना सोच के नहीं किया था लेकिन आज एक मॉडल है जिसको uh, मैं फील करता हूं दैट वी शुड कीप ऑन वर्किंग ऑन दिस एंड इट इज समथिंग विच इज रियली वर्किंग वेल फॉर द कंपनी या बिल्कुल लेकिन एक चीज uh, रंजीत शायद आपने भी नोटिस की होगी या हो सकता है मेरे से ही वो टेक uh, टैलेंट तक टकराते हैं कि वो अगर मतलब एक चीज देखी है मैंने कि अगर आप बहुत आईआईटी से हैं आईएम से हैं तो आपका फोकस होता है कि आप ना क्योंकि आपके क्लाइंट्स बाहर भी हैं तो आपको और भी ज्यादा आइडिया होगा इस चीज का कि इंडिया में काम नहीं करना चाहते हैं ये लोग ये डिग्रियां तो इंडिया से उठा रहे हैं यस लेकिन इनको बाहर इनका मतलब इनकी मंजिल वही होती है इनको अमेरिका जाना है कैलिफोर्निया जाना है सिंगापुर जाना है जर्मनी जाना है तो ये ये चीज मतलब इस चीज इस चीज पर आप क्या कहना चाहोगे क्योंकि आपके पास बहुत सारे एम्प्लॉज भी जी, होंगे जी, आपकी कंपनी में इस तरह के जी नहीं देखिए पहली बात तो ये है कि आ, ये चीज बदल रही है बहुत हद तक बदल रही है ऑब्वियसली लॉन्ग वे टू गो बट आप ये समझिए कि आज से पांच साल पहले या दस साल पहले जो सैलरी यहाँ पे मिलती थी और जो सैलरी बाहर में मिलती थी बहुत जमीन आसमान का फर्क था आज भी फर्क है ये फर्क बहुत कम होता जा रहा है जो अपॉर्चुनिटी इंडिया में थी और जो अपॉर्चुनिटी बाहर थी चाहे वो लर्निंग में चाहे वो अर्निंग में बहुत जमीन आसमान का फर्क था आज वो बहुत कम होता जा रहा है इसका इंपैक्ट उनकी करेंट रिटेंशन में भी है और उनके एस्पिरेशंस जो यहाँ पे फुलफिल हो रहे हैं उसके वो भी इंप्रूव हो रहा है बट बहुत ही नेचुरल है अगर आप मेरे से पूछेंगे कि अगर एक आदमी ने पढ़ाई की और उसको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है जिसमें उसको लेट्स से फाइव टाइम्स ज्यादा सैलरी मिलती है और फाइव टाइम्स बेहतर लर्निंग मिलती है तो चॉइस क्लियर है राइट right? गलत नहीं है मैं उसको गलत नहीं मानता हूं oh. सिर्फ पॉइंट इसमें यह है कि और अच्छी बात यह है कि आज ये डिस्टेंस और यह जो गैप है यह बहुत कम होता जा रहा है विच इज गुड फॉर द कंट्री एंड विच इज गुड फॉर कंपनीज हर यहां जितने स्टार्टअप्स है या हम लोग अगर अच्छी चीज कर पा रहे हैं आज वो इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि यहां भी टैलेंट की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है स्पेशली अगर मैं सॉफ्टवेयर की बात करूंगा हमने पांच साल पहले बाहर की कंट्रीज में काम करना शुरू किया स्पेशली कोविड में बहुत अच्छा हुआ क्योंकि बाहर बिना ऑफिस खोले हुए हम लोग यहाँ से प्रोडक्ट डिप्लॉय कर पा रहे थे hmm. तो मेरे को एक थोड़ी सी ये आ, मेरी सोच में था कि जो बाहर के लोग हैं वो सोचेंगे कि इंडिया से प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी का है क्या फीलिंग होगी नहीं होगी तो मैंने भी सोचा सिंगापुर ऑफिस खोलें यूएस में ऑफिस खोलें हमने इनिशिएट भी किया कुछ किया भी बट आई एम सरप्राइज टू सी दैट एक्चुअली हर जगह पे इंडियन आई टैलेंट की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है इसलिए भी है बिकॉज हर जगह पर इंडियन टैलेंट है hmm. तो वो गलत नहीं है आज यूएस की हर बड़ी कंपनी में इंडियन टैलेंट है बिल्कुल राइट right? बिल्कुल हर कंपनी हर, हर कंपनी के हर कंट्री के जो भी हेडक्वार्टर्स हैं वहां इंडियन टैलेंट भरे हुए हैं राइट सो इट हैज क्रिएटेड अ गुड कल्चर फॉर इंडियन टेक गाइज टू हैव अ गुड ड्रीम इफ एट ऑल दे वर्क विद बेस्ट कंपनीज एट द सेम टाइम क्रिएटेड ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर इंडियन टैलेंट टेक टैलेंट राइट तो इसीलिए आज अगर यहाँ पे भी आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं चाहे दुनिया में कहीं भी आप बेचें मेड इन इंडिया टैग विद एनी अदर प्रोडक्ट विल नॉट हैव एज मच रिस्पेक्ट एज मेड इन इंडिया एज एन आई टी प्रोडक्ट आई मीन नो बड़ी क्वेश्चन और आप यकीन मानिए पिछले तीन साल में विदाउट हैविंग एनी ऑफिस आउटसाइड इंडिया विदाउट इवन विजिटिंग वंस एक बारी भी बिना किसी कस्टमर को गए हुए मिले हुए हमने सोलह कंट्री में अपने प्रोजेक्ट डिप्लॉय किए सो जस्ट टू टेल यू आप यकीन नहीं करेंगे पिछले तीन से चार सालों में बिना किसी भी देश में हमारी फिजिकल विजिट के बिना किसी देश में ऑफिस हुए हमने 16 कंट्रीज में अपने प्रोजेक्ट्स डिप्लॉय किए हैं ये सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए है कि कहीं भी किसी भी कंट्री में इंडियन टेक्नोलॉजी की बहुत रिस्पेक्ट है किसी को ये नहीं लगता है कि इंडिया में बैठ के कैसे करेंगे क्योंकि सारे लोगों को पता है कि इंडिया इज़ अ लीडिंग पार्ट इन टेक्नोलॉजी और सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये मानेंगे कि आज टेक्नोलॉजी इतनी मिच्योर हो गई है कि आपको फिजिकल प्रेजेंस के बिना आप किसी भी देश में कहीं भी टेक्नोलॉजी डिप्लॉय कर सकते हैं लार्ज स्केल पे पर इससे सबसे ज्यादा फायदा फाइद, इंडिया को है बिकॉज okay. सबसे बड़ा आईटी टैलेंट अगर पूरे वर्ल्ड में है वन ऑफ ऑफ द बिगेस्ट इफ आई मे से इज इन इन इंडिया राइट राइट टर्म्स एटलीस्ट शेयर नंबर अब ये आप समझना एक है कि आपने कोई प्रोडक्ट यहां से किसी ने लैटिन अमेरिका में या मैक्सिको में किसी ने यहां से कोई प्रोडक्ट खरीदा बट सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि कौन सा वो कस्टमर है मैं जिस कस्टमर की बात करता हूं वो दुनिया के सबसे बड़े कस्टमर है चाहे वो कोको कोला है चाहे पेप्सी पेप्सिको है चाहे वो मार्स है, है और वो कंपनी बिना हमसे फिजिकली मिले हुए बिना कोई ऑफिस हुए हुए और एक सिर्फ पायलट का हंड्रेड फिफ्टी थाउजेंड डॉलर हमको देती है हंड्रेड डॉलर एक करोड़ से ऊपर है सिर्फ पायलट करने का बिना किसी फिजिकल प्रेजेंस के अगर एक करोड़ रुपए इन्वेस्ट करती है तो कितना ट्रस्ट है बिल्कुल इंडिया पे इंडियन कंपनीज पे एंड सटली इन द प्रोडक्ट दैट वी आर क्रिएटिंग एज सेल्स कोट राइट क्योंकि आप ये समझिए ये, ये जितनी कब बड़ी कंपनियां हैं इनके पास सारे ऑप्शन हैं एंटायर वर्ल्ड ऑल द बिग टेक्नोलॉजी कंपनीज वो उनके पास काम करने के लिए अवेलेबल हैं उनके पास रिसोर्सेज हैं बट अगर कोई यहाँ पर इंडिया में बैठ के कोई कंपनी अगर उनको इन्फ्लुंस कर पा रही है इन्वेस्ट करने के लिए और प्रोडक्ट डिप्लॉय करती है और सक्सेसफुल करती है तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि इंडिया कैसे एक टेक्नोलॉजी पावर हाउस बन रहा है और आगे आने वाले टाइम पे कितना बड़ा रेवोल्यूशन हो सकता है फ्रॉम टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू इट बिल्कुल अभी कोई प्लानिंग है बाहर ऑफिस सेट करने जी बिल्कुल बिल्कुल सो so, बिकॉज uh, हम ऑलरेडी बिना ऑफिस के कर रहे थे इसका मतलब हमारा बिल्कुल ऐसा नहीं था कि हम ऑफिस नहीं करेंगे ऑब्वियसली वेन यूर स्टार्टअप तो आप रिसोर्स को ऑप्टिमाइज करते हैं और उस हिसाब से आपने अपने इन्वेस्टमेंट को ऑप्टिमाइज करते हैं एज वी स्पीक वी हैव ऑलरेडी ओपन अर ऑफिस इन मैक्सिको हमने मेक्सिको में ऑफिस अपना हंड्रेड परसेंट सब्सिडी ऑलरेडी शुरू कर दिया है वहाँ ऑलरेडी हमारे पाँच छः लोग हैं कुछ लोकल भी हैं और ये बात एक बात और मैं बीच में बोलूंगा जब मैंने बोला बाहर के लोग यहाँ से बैठ के हम डिप्लॉय करते हैं तो समझिए कुछ कंट्रीज तो है जहाँ इंग्लिश लोग समझते हैं बट लैटिन अमेरिका में कोई इंग्लिश नहीं समझते राइट अब जब लैटिन अमेरिका में हमारा पहला प्रोजेक्ट हो रहा था आप ये समझिए वहां कस्टमर है जो दुनिया का सबसे बड़ा कंपनी का एक कोई सीनियर एग्जीक्यूटिव है उसके अलावा उसकी पूरी टीम में किसी को इंग्लिश नहीं आती है हमारे यहाँ किसी को स्पेनिश नहीं आती है आ, आ, आ। अब आप समझिए ट्रस्ट फैक्टर कितना है या इनोवेशन का आ, पावर कितना है वो अपने साथ स्पेनिश टू इंग्लिश ट्रांसलेटर लेके आते थे हमारी बात समझने के लिए क्या बात राइट

पहला यू नो आउट ऑफ इंडिया ऑफिस मेक्सिको में ही खोला क्योंकि उसकी सबसे बड़े कारण यह है कि वहाँ भाषा की दिक्कत है 99% जो एग्जीक्यूटिवस होते हैं वो नहीं बोलते हैं इंग्लिश तो हमने वहाँ लोकल लोग भी हायर किए और यहाँ से हमारे लोग भी गए हैं. तो वी हैव हाँ फुल फ्लेजेड ऑफिस देयर वी आर ऑलरेडी वर्किंग विद वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनीज़ देयर इन मेक्सिको सो एज वी स्पीक मेक्सिको फिलीपींस इंडोनेशिया वियतनाम ये चार जगह अगले तीन से चार महीने में हमारे सारे ऑफिसेज़ होंगे और वर्ल्ड वाइड इट्स अ प्रोडक्ट विच एनी हम यहाँ से बेचते रहेंगे और डिप्लॉय करते रहेंगे बट कस्टमर को लोकल सपोर्ट देने के लिए और एक लेवल पे लोकल कॉन्फिडेंस देने के लिए स्पेशली लैंग्वेज एंड टाइम टाइम जोन जोन अलग है आप ये सोचिए वहां ah. 24 घंटे का डिफरेंस ah. है तो इन चीजों को मैनेज करने के लिए हम फिजिकल ऑफिस भी खोल रहे हैं बट इन अ स्मॉल स्केल सारा काम फिर भी यहीं से होता रहेगा सारी डिप्लॉयमेंट होती रहेगी बट एक कस्टमर को थोड़ा सा इंटरफेस देने के लिए दैट्स हाउ वी आर डूइंग राइट नाउ या नहीं बहुत अमेजिंग है कि वहां पर सेल्स कोड ने अपना जगह बना लिया नहीं तो आ, बहुत मुश्किल है पे लोग आपकी नहीं समझ रहे हैं। जी। आप, क्योंकि तो आप वहाँ पे एक बिस्किट का पैकेट या पेंसिल भी नहीं बेच सकते हम्बलिंग एंड इसलिए मैंने बोला की जब हमारी टीम वहां से लीड आई जब किस लोगों ने बोला और एक मीटिंग हुई पता चला पहले तो ग्यारह बजे रात को मीटिंग हो रही है और स्पैनिश uh, में 90 परसेंट लोग बात कर रहे हैं हम समझ नहीं पा रहे चाहते क्या है। hmm. हम भी नहीं समझ पा रहे hmm. चाहते क्या है बट वो हमारा प्रोडक्ट देख रहे हैं वो खुद समझ रहे हैं और कुछ बात करनी है तो स्पैनिश को लेके आ रहे हैं कि भाई हमारी बात इनको समझाओ सो इट मेक्स अस एज अ कंपनी फील दैट वी हैव क्रिएटेड समथिंग रियली पावरफुल एंड रियली गुड अदरवाइज हु हुस इंडिया में एक छोटी सी कंपनी कोई स्टार्टअप कोई टेक्नोलॉजी बना रहा है मतलब हु हुई सो इसकी वजह से हम लोगों को बहुत कॉन्फिडेंस अपने प्रोडक्ट पे भी है और इसकी वजह से सारे इन्वेस्टमेंट जो है हम लोग एक्सपैंड करने में लगा रहे हैं ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज में ज्यादा से ज्यादा फास्ट एक्सपैंशन विथ लार्ज कंपनी सो वी डूइंग लॉट ऑफ स्टाफ टच वु मेरी बहुत सारी विशेष हैं आपको थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच रंजीत मैं आपको हमेशा देखती हूँ आप बहुत ने. ही बैलेंस्ड बहुत ही uh, मतलब हमेशा से बड़ी समझदारी मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने सारे डिसीजन बड़ी समझदारी से लेते होंगे बड़ी शांति से आपको गुस्सा नहीं आता होगा है ना <laughs> <Not a time. laughs> तो लेकिन फिर भी बहुत सारे फेजेस आते हैं एक एंटरप्रेन्योर yeah. की लाइफ में बहुत सारे फेजेस आते हैं yeah. बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं कभी ऐसा कुछ हुआ कि मतलब ऐसे लगाओ कि नहीं कर पाएंगे बंद कर देना चाहिए छोड़ देते हैं कुछ और सोचते हैं जी 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 ऐसा हुआ कभी जी सो लेट मी आंसर दिस क्वेश्चन मैं उनमें पहले तो गुस्सा मुझे बहुत आता है अच्छा सीरियसली <laughs> <seriously, laughs> बहुत गुस्सा आता है जो नहीं आना चाहिए सो so, देखिए हम अपने गुस्से को जस्टिफाई करते हैं लाइक like, मुझे गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि उसने ऐसा किया दैट्स हाउ वी डू इट राइट बट लेट्स से लास्ट फाइव इयर्स आई एम वर्किंग कि मैं अपने गुस्से को राइट तरीके से कैसे इंप्रूव करूं <laughs> तो पहले गुस्से की बात करी मैंने बट गुस्सा आना सी अगर आप इंसान हैं तो कुछ ना कुछ कमियां रहेंगी आपको गुस्सा आएगा एज लॉन्ग एज आप अगर समझते हैं कि गुस्सा आना अच्छी बात नहीं है hmm. तो आप उस पर काम करेंगे मैं उस पर काम करूँ तो गुस्सा आता है hmm. पहली बात hmm. लेकिन हाँ मैं बहुत टाइम लगाता हूँ कोई डिसीजन लेने में शायद वो बोल सकते हैं कि कुछ समझदारी भी होती है उसमें वो एक स्ट्रेंथ है मेरी कहीं ना कहीं वो एक स्ट्रेंथ है तीसरी बात जो है कि इस जर्नी में क्या लगा और कैसे सॉर्ट आउट किया या कैसे उस सिचुएशंस को फेस हाँ, किया जो सिचुएशन हाँ. शायद डिफिकल्ट रहा होगा एंड हाँ. मैं विदाउट मेकिंग अप मुझे एक दिन भी एक मोमेंट भी ऐसा नहीं लगा ओ. एक दिन एक मोमेंट भी ऐसा नहीं लगा कि मैंने कुछ गलत किया है या मुझे शायद कंपनी नहीं छोड़नी चाहिए या जहां मैं कर रहा था वहां शायद बेहतर होता अब ये अगर मैं बोलता हूं आई गेट गूज बिकॉज इट्स नॉट कि हमारी पूरी जर्नी बड़ी अच्छी रही है या जो हमने सोचा वो बड़ा होता चला गया आ, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ लेकिन अगर मैं ये देखता हूँ तो सारी सिचुएशन आई है हमारे पास जितनी मुश्किलें हो सकती उतनी सारी मुश्किलें आई है लेकिन एक बार ये ख्याल नहीं आया मुझे और मैं बार बार सोचता हूं शायद अच्छा फील करता हूं इस बात को लेके ऐसा नहीं है कि मुझे ख्याल आता था और मैंने कोशिश करी कि ना आए Hmm. मुझे ख्याल नहीं आया ये hmm. इसलिए शायद नहीं आया क्योंकि मैं इतना ज्यादा ऑबसेस्ट था इस चीज को करने के लिए या डेस्परेट था बोल सकते हैं या इतना कन्विक्शन था या इतना क्लैरिटी थी जो भी आप बोल सकते हैं मुझे नहीं पता इसलिए ना मेरे पास ऑप्शन बी था ना कभी रिग्रेट था ना कभी मुझे परेशानी हुई कि मुझे नहीं करना चाहिए लेकिन एक बात और बताऊं सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं हर तरी, हर फेज से गुजरा हूं इस पूरे दस साल में टू हेल्प यू अंडरस्टैंड दैट जब हमने शुरुआत की बहुत अच्छी शुरुआत हुई हमारी हमारे पास अच्छे पैसे थे अच्छी कंपनी में हम लोग काम करते थे अपने पैसे लगाए उस समय क्विकली बड़े कुछ अच्छे कस्टमर्स आए लाइक टॉप कस्टमर्स हमारा पहला कस्टमर केलॉग्स था दूसरा कस्टमर ब्रिटानिया था तीसरा कस्टमर हीरो साइकिल था wow. बिग नेम स्टार्टेड कमिंग इन बिकॉज हमने जो चीज़ बनाई थी वो चीज़ बिजनेस सॉल्व करने के लिए बनाई थी और एक बिजनेस के लोगों को रेजोनेट करती थी पहले फर्स्ट ऑफ इट्स ओन काइंड चीजें थी जो हमने बनाया टू सॉल्व प्रॉब्लम विच आई वाज फेसिंग इजी क्विक विंस जो हमको शुरुआत में मिली बट कोई भी स्टार्टअप में क्या होता है ना आप को आना ही पड़ेगा 100 ऐसे सिचुएशन आएंगी जो बहुत अच्छी नहीं होंगी, बहुत ही डिफिकल्ट होगी बहुत चैलेंजिंग किसी के साथ शुरुआत में आती आती है, है, किसी किसी के साथ बाद में, कितना है, नहीं है, तो मैं सिर्फ पहली में तो ये बोलता हूं आपकी सोच जहां तक जाएगी उससे हंड्रेड एंड थाउजेंड टाइम ज्यादा मुश्किल जितनी सोच सकते आप मतलब इमेजिन ही नहीं कर सकते इतना मुश्किल होगा पहली बात दूसरी बात कि आपने अपनी जर्नी पे फिर आता हूँ तो शुरुआत हुई बात आ, हमने एक डेढ़ साल बहुत अच्छा निकला उसके बाद थोड़े एक्सपेंशन किए जब आप अच्छा होता है तो खर्चे बढ़ाते हैं आप और अच्छा करना चाहते हो हमने वो सब किया फिर बिजनेस का कुछ सिचुएशन होती है जिसकी वजह से बिज़नेस शायद नहीं बढ़ा उतना जितना हमने एंटिसिपेट किया बहुत सारी स्टोरीज उसके पीछे बट मैं अभी कट शॉट में यहाँ पर फोकस करता हूँ तो उसके बाद ऐसी सिचुएशन आई कि हमारे पास एक चॉइस था या तो अच्छा ए, एक बैक स्टोरी इसकी यह है कि ऑब्वियसली जब मैं कोक में काम करता था और हमारे जो भी दो क्लिक्स ने ज्वाइन किया वी हैड रियली फैट सैलरीज लाइक वी आर सीनियर गाइस जनरल मैनेजर्स वाइस प्रेसिडेंट्स काइंड ऑफ प्रोफाइल्स विच इज़ लाइक एट द टॉप ऑफ कॉपोरेट लैडर रियली गुड मनी बाय एनी स्टैंडर्ड हाइस्ट पेइंग जॉब्स इन द इंडस्ट्री वो छोड़ के जब आप अपना स्टार्टअप शुरू करते हैं तो सबसे पहले ये लगता है कि यार इतना पैसा तो कमाए पहला टारगेट ये होता है कि भाई आ, जितना मिल रहा है उतना तो आए आ, तो आ, और एक्चुअली पहला, पहला पहला टारगेट टारगेट ये होता है जो चीजें जैसे चल रही है, वो तो चलती इतना रही तीज तो इतना चाहिए और हमको शायद एक दो साल इस डिसीजन में लेने में डिले इसलिए भी हुआ बिकॉज लगता था इतना पैसा कैसे आएगा इतनी जल्दी फिर हमने डिसाइड किया ठीक है इतना पैसा शायद दो तीन साल में आएगा तो हमने लेट्स से हमारी जो भी सैलरी थी उससे वन फोर्थ सैलरी हमने बोला कि चलो अपना एक कॉपस बनाया हमने अपने पैसे लगाए कुछ थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट भी लिया कुछ नेटवर्क के लोग थे और हमने बोला कि चलो वन फोर्थ सैलरी लेंगे और धीरे धीरे अपनी सैलरी तक तो लेंगे ही एक दो साल में पहुंच जाएंगे बट बात यह हुई कि जब डेढ़ दो साल पूरा हुआ तो सारे पैसे भी खत्म हो चुके थे और हमारे पास चॉइस था कि या तो हम कंपनी में इन्वेस्ट करें या अपनी सैलरी लें hmm. क्योंकि उस समय तीन जो सीनियर लोग थे हमारी सैलरी वो सम यू नो वन फोर्थ ऑफ द ओरिजिनल सैलरी बट टोटल कंपनी का फिर भी एक साइजेबल पार्ट था हमारी सैलरी बिल्कुल सो यू वोंट बिलीव फिर हमने डिसाइड किया कि ओके हम तीनों आदमी जो तीन को फाउंडर थे हम तीनों आदमी सैलरी लेना बंद करेंगे अपनी एंड बिकॉज हम होपफुल थे कि हम जो काम कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं आज कल रिजल्ट आएगा उसका लेट्स कीप इन्वेस्टिंग विथ यू नो टीम हायरिंग दिस पॉट इज राइट तो हमने अपनी सैलरी लेना बंद कर दी और ये कितने दिनों तक रहा बता रहा हूँ आपको <laughs> सो हमने सैलरी लेना बंद कर दिया तो हमने पहला टारगेट ये है कि एक साल सैलरी नहीं लेंगे ओ। तो हमारे साथ एक और हमारे दोस्त थे जो को फाउंडर थे उन्होंने बोला कि देखो मेरे पास सिर्फ एक साल का रिजर्व है उससे ज्यादा मैं सस्टेन नहीं कर सकता हूँ हमने भी बोला यार हमारे पास बहुत पैसे नहीं है एक साल में शायद सिचुएशन ठीक हो जाएगी एक साल में बिल्कुल सिचुएशन ठीक नहीं हुई एक साल में सिचुएशन जैसी थी ऑलमोस्ट ऐसी रही हमने बोला अभी तो कोई ऑप्शन नहीं हमारे पास सो so, आप आप यकीन मानिए सिर्फ और सिर्फ इस वजह से बिकॉज हम लोग अपनी सैलरी अफोर्ड नहीं कर सकते थे यू हैड टू गो बैक टू कॉपरेट सो हैड टू लीव वन ऑफ द थ्री पीपल यू गो बैक टू कॉपरेट एंड वी आर स्टिल फ्रेंड्स एंड इट्स फाइन बिकॉज वी अंडरस्टैंड अब हमारे पास जो भी थोड़े पैसे बचे हुए थे या हमारे दूसरे जो पार्टनर हैं उनके पास जो भी पैसे बचे हुए थे हम लोगों ने बोला जितना एक्सटेंड कर सकते हैं उतना और करते हैं तो अब क्या होता है कि जब आप सैलरी नहीं ले रहे होते हैं और कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो शुरुआत का जो माइंडसेट था जब हम कंपनी में काम करते थे तो लगता था कम से कम सैलरी तो चाहिए इतनी वो माइंडसेट टूटता गया फिर सिर्फ यह दिखता था कि हम कर क्या सकते हैं हम क्या बना रहे हैं वो बनाने का हमारा आगे विजन क्या दिख रहा है क्या होप दिख रहा है और वो एक ऐसा नशा होता है कि आपको वो पैसे की जरूरत महसूस हाँ। नहीं होती उसमें आई डोंट नो बट एक दो साल के बाद हमको लगा यार इट्स ओके एज लॉन्ग एज वी आर नॉट एबल फाइन और मैं आपको लेकिन अगर मुझे दो आदमी की जगह चार आदमी हायर करना है मुझे इस बात का भरोसा है कि हम जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं अच्छा होगा तो हमने कॉम्प्रोमाइज किया वो कॉम्प्रोमाइज हमने एक साल शुरू किया था हमने चार साल किया Four years, both the co-founders, we took zero salary, means oh. zero salary. Not a penny from the company by any means. And not only those four years, in the entire span of nine and a half, ten years right now, not even a single day, not even a single day in a single month the salary has been delayed. As the kabibi eighth dinkili company salary delay. Wow. हमारे पास पैसे थे या हमने कहीं से लिया या नहीं थे अपनी सैलरी नहीं ली एवरी वन एंड आई एम ऑन द रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड इट हैज नेवर हैपेंड दैट वी हैव नॉट गिवन गुड सैलरी इंक्रीज इट हैज नेवर हैपेंड रियली गुड सैलरी इंक्रीज राइट वी केप्ट ऑन गिविंग ऑल ऑफ दैट सो ये कोई हम दूसरे को ओब्लाइज नहीं कर रहे थे सो आई एम नॉट से हमने किसी और के लिए किया नहीं बिल्कुल नहीं हमने अपने विजन के लिए किया हमने अपने कन्विक्शन के लिए किया कि हाँ यार ये करना है भाई हमारी कंपनी है हम समझते हैं कि आज वहाँ चली जाएगी दूसरे लोग क्यों समझेंगे hmm. वो नौकरी कर रहे हैं उनकी लाइबिलिटी है उनके घर की अपनी ज़रूरतें हैं तो हम ये कभी नहीं हम चाहते थे कि लोग हम मोटिवेट करके उनको बताएं कि नहीं जी आज अच्छा होगा कल साथ रहेंगे अगर मेरे पास कुछ भी नौबत आएगी तो जो उनकी ज़रूरतें ज़्यादा हैं हमसे राइट थैंकफुली वी हैड सम मनी राइट सो वी केप्ट ऑन डूइंग दैट फॉर फोर years. एक समय ऐसा है कि जब हमारे जो कुछ और भी लोग थे सबने बोला कि भाई कुछ शुरू कर लेते हैं एटलीस्ट start डूइंग इट हमने एक साल और डिले किया कि यार अगर एक साल और इतना पैसा लगा देंगे तो शायद और अच्छा हो जाएगा सो ऑल आई एम टेलिंग यू कि दिमाग इतना बदल गया जब शुरुआत हमने करी थी तो लगता था एक दो साल में तो इतने पैसे चाहिए उस समय तक हमारे छः साल हो चुके थे और लगता था यार थोड़ा और स्ट्रेच कर सकते हैं क्या ऐसा थोड़ा और बिना पैसे के काम करके बिजनेस पे लगाए क्या डिफिकल्टी नाउ एक और चीज बताऊंकि मैं। मैं बता मैंने रियलाइज नहीं किया लेकिन इफ आई लुक बैक तो बहुत सारे ऐसे मोमेंट होंगे कि आप अगर ऑब्सेस्ड नहीं है तो आप टूट सकते हैं। आप ऑबसेस्ड नहीं है देखो ऑब्सेशन आपको बहुत सारी प्रॉब्लम से बचा भी देता है आपको छोटी चीजें एहसास नहीं होती ये सारी चीजें जो हो रही हैं आपके साथ जैसे मैं आपको बताऊं ऑब्वियसली जब मैं एक बड़ी कंपनी में काम करता था उसके बाद जो लाइफ स्टाइल मेरा वहां था और यहां था बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क था मैंने कभी रियलाइज नहीं किया सारे लोग रियलाइज कर रहे थे मेरी फैमिली वाले रियलाइज कर रहे थे मेरे दोस्त रियलाइज कर रहे थे मेरे उस कंपनी के दोस्त रियलाइज कर रहे थे मैंने कभी रियलाइज नहीं किया क्योंकि मुझे किसी और चीज़ की जरूरत ही नहीं थी मैं जो कर रहा था वही मेरे लिए सब कुछ था राइट विदाउट थिंकिंग वंस आई एम टेलिंग यू या, सो वन डे एंड आई एम टेलिंग यू कि मतलब सब लोग रियलाइज कर रहे थे और कभी इंडायरेक्टली बोलते भी होंगे लेकिन डजेंट मैटर मैं तो सुन भी नहीं रहा हूं <laughs> सोच भी नहीं रहा हूं तो मेरी बेटी उस समय आई थिंक क्लास एट्थ में रही होगी या नाइन्थ एट्थ में थी मोस्ट लाइकली <laughs> और हम लोग वीकेंड पर बैठे हुए थे एंड उससे पहले से जब मैं कंपनी में था तो हर साल एक दो फॉरेन ट्रिप हो गया कभी कंपनी ने किया कभी हमने किया तो लाइफ स्टाइल से हमारा तीन साल या चार साल हो चुका होगा ऑब्वियसली कोई बात ही नहीं बाहर जाने की वही गाड़ी थी वो गाड़ी ऑलमोस्ट टूट चुकी थी खटारा राइट एंड देर नथिंग एंड देर लिटरली मजे की बात है मुझे जरूरत भी नहीं थी बट दूसरों को तो थी राइट सो Uh, मेरी बेटी uh, बैठी हुई थी एंड जनरली आई हैव बीन ब्लेस्ड विद अ फैमिली विच इज नॉट वेरी डिमांडिंग बट इन वन कॉन्टेक्स्ट शी सेड आउट ऑफ द ब्लू मुझे आगे पीछे का स्टेटमेंट ज़्यादा याद नहीं है बट जो हिट किया मुझे स्ट्राइक किया उस समय उसने बोला कि हम लोग ये क्यों नहीं कर सकते समथिंग समथिंग लाइक दैट बट उसने एक बात फिर बोली कि डैडी हम लोग अब गरीब हो गए क्या oh. <laughs>

वो सारी चीजें वो वो जो जर्नी होती है ना स्ट्रगल वाली पीछे की वो बहुत हैपनिंग हो जाती है वो किस्से और कहानियों में चली जाती है और हम उसको बहुत खुश होकर के सोचते हैं ना, ठीक फिर ठीक आने, आने वाले अभी तो बच्चे हैं फिर बच्चे बड़े होंगे बच्चों के बच्चे होंगे तो उनको भी सुनाएंगे की कैसे किया है बिल्कुल देखिये अगर आज मेरे को ये सारी चीजें नहीं होती तो शायद मुझे वो एहसास कम होता क्या अचीव कर पा रहे हैं ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ अचीव हो गया बट पॉइंट ये है कि

जो लड़के लड़कियां काम करते हैं सेल्स कोर्ट के लिए बच्चे आ रहे हैं छोटे छोटे तेईस चौबीस साल के तो वो जो हायरिंग करते हो आप क्या क्या एक चीज़ देखते हो उनमें कि हाँ ठीक है इसके पास डिग्री नहीं है जी इसका इसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि तेईस इक्कीस साल का लड़का या लड़की एक्सपीरियंस तो लेकर के नहीं आएगा जस्ट कॉलेज से निकला हुआ है जी। तो वो क्या चीज़ होती है जो आपको क्लिक करती हो और आप उनको हायर कर लेते हो देखिए मेरे लिए पहली बात तो मैं ये मानता हूं कि कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप 10 मिनट 20 मिनट एक घंटे के इंटरव्यू में कोई चीज जज कर पाओ mm. तो 50 परसेंट रेशो में होता है लेकिन आप चाहते क्या हैं मतलब है mm. चाहता क्या हूं? Mm. मैं एक दो चाहता हूं अगर कोई भी इंसान को कोई भी चीज पाने की इच्छा इतनी तेज है कि वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है mm. चाहे कोई भी काम कर रहा हो अगर वो ये दो चीजें उसके अंदर है तो मुझे लगता है कि और ऑब्वियसली अभी उसने चॉइस किया है कि मुझे ये करना है इज मेरे साथ कुछ करना है तो वो इंसान वो कर सकता है लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होते हैं हर इंसान चाहता है कि मुझे बहुत कुछ मिल जाए लेकिन उसके लिए क्या खोना पड़ेगा उसके लिए कोई तैयार नहीं है नहीं। मैंने नहीं देखा आज तक किसी इंसान को कि जो इसके लिए तैयार नहीं हो और बहुत कुछ कर जाए वो अगर मैं आज ये बोल रहा हूँ कि हमने जो भी थोड़ा बहुत किया लेकिन उसमें मुझे फ्रस्ट्रेशन इसलिए नहीं हुई क्योंकि आई वॉज रेडी टू बेट एनी थिंग टू अचीव दैट राइट right? और शायद इसलिए भी मुश्किल दौर से निकल के भी एक स्टेज पे हम पहुंच पाए क्योंकि वो ऑब्सेशन है अगेन तो वो ऑब्सेशन अगर मुझे दिखती है इज टू अचीव ग्रेट ग्रेट थिंग्स थिंग्स में राइट right? अभी तो तेईस साल का कोई है तो बहुत सारी चीज उसने नहीं करी होगी hmm. लेकिन वो दिखती है चीज उनकी बातों में कि बड़ा कुछ अचीव करना चाहते हैं और दूसरी बात उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है कुछ भी मतलब कुछ भी राइट hmm. right? लाइक आई से समाइम्स वी विल गेट शॉक्ड आर यू रेडी टू डाई फॉर इट अब ये जैसे मैं बोलता हूं मैं बताऊँ, मेरा टेस्ट क्या है मैं जब इंटरव्यू में ऐसी बातें करता हूं तो जो लोग वैसे नहीं होते डर के भाग जाते हैं <laughs> Literally, 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 no? actually, मैं जब जो कैंडिडेट जब ठीक लगने लगता है तो ये लास्ट टेस्ट होता है मेरा मैं उसको ऐसी बातें करता हूं कि उनको लगता है यार ये तो बहुत मुश्किल है काम तो पहली बार भी डरा देना है एक्चुअली no, जनरली और मैं अपने विचार को बोलता हूँ देखो ऐसा है और मैं बता देता हूँ कि फिफ्टी परसेंट चांस है कि भाग जाएगा अगर ये वापस आता है तो शायद टेस्ट पास हो गया कुछ लोगों को इंटरव्यू में ही पता चल जाता है कि नहीं देखिए जब आप कुछ चीज बोलते हैं और अगला आदमी रेस्पॉन्ड कर रहा होता है ना अपनी बातों से अपनी नजरों से आपके इमोशन से अपने बिहेवियर से आप समझ जाते हैं कि आपकी बात में उसको कनेक्ट हो रहा है कई बार आपकी बातों से उसका डर दिखने लगता है कि ये आदमी पता नहीं इतनी बातें कर रहा है क्या ही करवा डालेगा मेरे से पता नहीं कितने घंटे का, का काम होगा भाई आप किसी को बोलते हैं आर यू रेडी टू डाई फॉर इट इसका रेजोनेट जो होता है या ये एनर्जी जो आपकी है

अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो जो बच्चे आ रहे हैं ना स्टार्टअप की दुनिया में अपना कुछ कोई सपना देख रहे हैं कुछ करना चाहते हैं मतलब उनके लिए कुछ कहिए कि आए और जैसे कि आप दस साल से ये जर्नी चल रही है जी. और इतनी अमेजिंग तरीके से चल रही है कि आप आपको यस आपको मज़ा आ रहा है, जी, है ना जी, जी. तो वो वो चीज़ उनके साथ भी रहे उनको भी प्लान बी की जरूरत ना पड़े जी जी प्लान ए में ही सारा काम हो जाए श्योर sure. है हम्म hmm. तो देखिए सबसे पहली बात अगेन मैं बोलूंगा ये मेरा अपना डेफिनेशन है मैं क्या कर रहा हूँ एक ही चीज़ की गारंटी है मुझे मजा बहुत आ रहा है <laughs> ये कितना अचीव हो पाया वो किसी के हिसाब से कम है किसी के हिसाब से ज़्यादा है किसी के हिसाब से कुछ भी नहीं है किसी के हिसाब से बहुत कुछ है एंड आई डोंट केयर बी ऑन अ पॉइंट राइट और मुझे ये मानना है कि अगर आपने ये अचीव कर लिया कि जो आप कर रहे हैं उसमें आपको मजा आ रहा है तो दैट इज सेल्फ इज़ अवज विन इन लाइफ पहली बात अब बैक टू बिकॉज स्टार्टअप से जुड़ा है ये जुड़ी है बात ये अब ये समझिए कि कोई भी आदमी अगर कोई काम करना चाहता है एज अ स्टार्टअप गुड पार्ट इस लॉ ऑफ गुड थिंग इज हैपनिंग इन इंडिया एकोसस्टम बन रहा है फंडिंग मिलनी आसान हो गई है बहुत सारा लटेंशन है फ्राम गवर्नमेंट एंड फ्राम इन अदर प्लेटफॉर्म्स आसान हो गया है रिलेटिवली देन व्हाट इट वाज टेन इयर्स अगो सो गुड थिंग राइट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि आप करना क्या चाहते हैं उसकी क्लैरिटी होना सबसे इंपॉर्टेंट है नाइन्टी परसेंट लोग इसलिए फेल होते हैं बिकॉज वो बड़े जल्दी में होते हैं या प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं या क्लियर नहीं होते, या, नहीं होते या कोई ऐसी चीज़ चूज करते जिसपे उनको क्विक मनी दिखता है hmm. Hmm. आसान तरीका दिखता है मैंने कोई भी बड़ी चीज होते नहीं देखी है जो बहुत ही आसान हो पहली बात राइट right? ना दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप कोई भी ऐसी चीज चूज करते हैं जो चीज़ आप या तो एक्सपर्ट नहीं है या नहीं हो पाएंगे तो सक्सेस के चांसेस कम होते हैं मैं इसको थोड़ा और एक लत से फ्रेमवर्क में अगर डिफाइन करूं सो वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट ऑथर्स इज जिम कॉलेंस जिम कॉलेंस Is like one of the biggest thought leaders in the world. Uh, उनका एक framework है जो Ikigai is also similar. सिमिलर लोग इकी गाय के बारे में ज़्यादा जानते हैं but मैं उनको quote करता हूँ because मैं जितनी बार अपने लोगों से मिलता हूँ ये मेरा rule है Rule है means it's it's like how I do. चाहे मैं hiring के लिए मिलता हूँ लोगों से चाहे मैं अपने लोगों के साथ कभी टाउन हॉल करता हूँ या कभी उनके से बात करता हूँ तो वो तीन मिनट का वीडियो मैं ज़रूर दिखाता हूं. और शायद मैं पिछले पांच साल में सौ बार दिखा चुका हूंगा जितनी बार मैं वो वीडियो देखता हूं उतनी बार मैं खुद इंस्पायर होता हूं उतनी बार मुझे खुद ज्यादा और क्लैरिटी मिलती है तो मैं उन्हीं की बात रिपीट कर रहा हूं राइट इन इन सो बिकॉज आई आई रिलेट विद दैट सो मच इन टर्म्स ऑफ द क्वेश्चन दैट दू सेइंग सो द फ्रेमवर्क इज कि आपको क्या चूज करना है अपने लिए राइट right? या yeah, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है

You should know things which you love doing. Definition mm. kya hai? You can work free of cost. Even if you are not paid for it, you love doing it. Mm. So, out of all things that you want to do, pick up things that you love doing most. Yes. Right? One. Second is what you can be best at. So, something that you love doing and you can be best at. Best at means not like good at. Like better than anyone else. Hmm. उनका कहना यह है या जो भी ऐसी फिलोसफी है एवरी वन इजिकली इनको टू बी देशन यू टू नो वट इज दैट एंड ये एक डिस्कवरी है जिसपे लोग टाइम नहीं लगाते hmm. मैं इतने लोगों को इतनी बार दिखाता हूं उनसे जब पूछता हूँ वो बोलते टाइम नहीं मिला सब hmm. मेरे को टाइम नहीं मिल रहा सोचने का hmm. वो कभी नहीं मिलेगी hmm. उनको बात तो फिर क्या होता है लोग कुछ चीज पकड़ लेते हैं और बोलते है, शायद इसमें मैं बेस्ट होंगे अपने आप को बोलते हैं शायद होगा यू शुड नो दैट यू कैन बी बेस्ट एट इट दैट्स अ प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी एंड इट टेक्स टाइम सो समथिंग दैट यू लव डूइंग समथिंग दैट यू कैन बी बेस्ट एट एंड इफ दैट कॉम्बिनेशन ऑफ दैट हैज अ वैल्यू राइट विच इज द थर्ड सर्कल अब इसका जो क्रॉस सेक्शन है इज द बेस्ट वर्जन ऑफ यूर सो समथिंग दैट यू लव डूइंग समथिंग दैट यू कैन बी बेस्ट एट एंड समथिंग दैट हैज अ वैल्यू वाह दैट्स दैट्स अ ग्रेट वर्जन ऑफ योर सेल्फ अब अगर कोई भी आदमी इस चीज़ को सॉल्व कर ले अपने लिए उसको कभी लाइफ में प्रॉब्लम तो नहीं होगी mm. चाहे वो जो चाहता है वो एक साल में अचीव होए चाहे पांच साल में हो चाहे दस साल में अचीव हो बट द जर्नी वुड बी वेरी इंजॉयबल वाई बिकॉज जितने भी बड़े ऑन्टरप्रिनर्स हुए हैं जितने भी बड़े लीडर्स हुए हैं अगर उनसे एक चीज कॉमन पूछोगे कि क्या है सक्सेस के लिए ज़रूरत सबसे बड़ी बात है परसिस्टेंसी Mm. कर सकते हो mm. जो चीज आपको करना पसंद हो yeah. और जिस चीज में आप अच्छे हो और आपको कन्विक्शन है कि इसमें आप बहुत अच्छे हो बहुत अच्छे हो जाओगे भरोसा है कि इसमें आप बहुत बड़ी चीज क्रिएट कर सकते हो mm. उसी चीज को आप बड़े लंबे समय तक कर yeah. सकते हो अदरवाइज कॉन्फिडेंस टूट जाएगा जो आपने एक सवाल पहले पूछा था mm. कि कभी लगता है कि छोड़ देते या नहीं करते लेकिन आप अगर उस चीज को अच्छा आपको अगर वो चीज अच्छी लग रही है और आपको कन्विक्शन है कि मैं तो इसमें बेस्ट हूं mm. या बेस्ट हो सकता mm. हूं तो आप लंबे समय तक करोगे क्यों तो mm. ही छोड़ सकते हो mm. छोड़ना बहुत मुश्किल है उस चीज को सो सो दिस इज वॉट आई वुड से दैट ऑल द पीपल दीपुली थिंग दे शुड हैव दिस सेल्फ डिस्कवरी पाथ दैट आर यू डूइंग समथिंग आर यू पिकिंग अप समथिंग आपको ऐसी चीज उठा रहे हो जिस चीज में आप बहुत अच्छा कर सकते हो बेटर देन एनी वन एल्स जो आपका रोम रोम बताएगा कि यार इस चीज में तो कमाल कर सकता हूँ राइट एंड आई लव इट सो मच कि बड़ा बने छोटा बने फेल हो जाए सक्सेस हो जाए लेकिन मुझे मजा आएगा ये करने. Hmm. ये चीज अगर आपने कर लिया तो फिर चाहे वो स्टार्टअप हो चाहे वो करियर हो चाहे वो कंपनी हो अच्छा ही होगा मुझे तो हमेशा ही ये समझ में आई बात बिल्कुल बिल्कुल अभी सेल्स कोड का फ्यूचर प्लान क्या है मतलब क्या आप लोग कुछ बड़ा करना चाहते हैं कुछ मज़ेदार कुछ यूनिक यूनिक कह सकते हैं उसको जी, है ना सी देखिए अगर मैं एक लाइन में बोलूंगा सेल्स कोड का हमारा फ्यूचर प्लान बोलो या विजन बोलिए वो ये है कि दुनिया के जितने भी सेल्स के लोग हैं इन इंडस्ट्री अगेन दैट आई एम यू नो फोकसिंग विच इज़ कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री के जितने भी सेल्स के लोग हैं और जितने भी चैनल पार्टनर्स हैं विच इज़ रिटेलर्स एंड दुकानदार एक लाइन में अगर मैं ये बताऊं कि सेल्स कोड का जो हमारा विजन है कि दुनिया में जितने भी सेल्स के लोग हैं जो एक एक इंडस्ट्री जिस पे हम फोकस करते हैं विच इज कंज्यूमर गुड्स और उसके जितने भी चैनल पार्टनर्स हैं उनके पास एक इतनी इंटेलिजेंट सिस्टम हो जो सेल्स कोड की हो जिससे उनकी कैपेबिलिटी उनके काम करने का तरीका उनका बिजनेस का तरीका एक्सपोनेंशियली बेहतर हो जाए बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो तो उसके लिए जितनी भी हमारी एफ़र्ट्स हैं इज़ ओनली टू फोकस ऑन जो सेल्स के लोग हैं उनकी बेहतरी कैसे हो सकती है उनके काम में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हैं कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस कर सकते हैं और जो दूसरे हैं चैनल पार्टनर्स वो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं अब इस पूरे इक्वेशन में अगर मैं देखूँगा तो हमारा ये ड्रीम है कि दुनिया में अगर लेट्स से इफ देर आर टेन मिलियन रिटेलर्स लार्जली दस मिलियन होंगे ज्यादा भी होंगे बट दस मिलियन रिटेलर हमारे होने चाहिए जो हमारा प्रोडक्ट यूज करें कम से कम एक मिलियन सेल्स के लोग होने चाहिए जो हमारा प्रोडक्ट यूज करें क्यों यूज करें क्योंकि उनकी जिंदगी उनका बिजनेस उनका काम हमारे प्रोडक्ट के साथ इतना सिग्निफिकेंटली बेहतर हो जाए जिसको आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रेवोल्यूशन बोल सकते हैं या सेल्स के तरीके का रेवोल्यूशन बोल सकते हैं वो है उस जर्नी में जितनी सारी चीजें होंगी उस जर्नी को अचीव करने के लिए होंगी एंड थैंकफुली आज भी अगर कोई एक बड़ी कंपनी हमसे पार्टनरशिप करती है तो सिर्फ इसलिए करती है कि इन दोनों चीजों में हमसे बेहतर प्रोडक्ट आज के डेट में दुनिया में नहीं दिखती है उनको तो लाइक आई से कि राइट नाउ वी आर द बेस्ट प्रोडक्ट इन दीज टू वर्टिकल्स इन द वर्ल्ड वी वॉन्ट टू बी द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड इन दिस यू नो डोमेन ऑफ सेल्स वाह मेरी ढीर सारी शुभकामनाएं हैं और आप कर पाएंगे thank है ना? So uh, बहुत 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 सारा थैंक यू कि आप स्टार्टअप के साथ जुड़े हमें बात करके बहुत मजा आया अभी भी ढेर सारी बातें हैं करने के लिए जिसको हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में लेकर के जरूर आने की कोशिश करेंगे थैंक यू सो मच थैंक यू सो एंटायर टीम थैंक यू सो मच